पहला सेक्शन है इसमें शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट वाला सेक्शन है माय डियर, जिसमें बोल के चलते हैं कि इनका नाम क्या है। नामकरण से मुझे कोई मतलब नहीं है। अलग अलग प्रोविजंस के लिए अलग अलग डेट रखी जा सकती हैं। एज ऑफ नाउ एग्जाम ओरिएंटेशन देखें तो इसका हमारा कोई रेलिवेंसी नहीं है इस समय पर। सेक्शन नंबर दो जिसमें आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए रखा गया है, जी हाँ ये बेहद ज़रूरी है, ये करना है आपको। इसमें बताया गया है कि देखो इंट्रा ट्रांजैक्शन पर दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, और इंटर ट्रांजैक्शन पर एक लगेगा आईजीएसटी। वो लगते बेसिकली दो ही हैं लेकिन आईजीएसटी नाम के रैपर में लपेट कर दे दिया जाता है। तो इसलिए जब इंटर ट्रांजैक्शन होगी तो शेयर्ड पावर चाहिए, साइमल्टेनियस पावर चाहिए, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को लगाने की पावर है। सो अकॉर्डिंगली दोनों को लॉ बनाने की पावर भी होनी चाहिए। आईजीएसटी के अंदर आईजीएसटी पेबल टू एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो अकॉर्डिंगली उसमें एक्सक्लूसिव पावर लॉ बनाने की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही होनी चाहिए। वही बात आपकी यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रत्येक स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि यूनियन को ये पावर होगी, पार्लियामेंट को पावर होगी कि वो अपने अपने लिए लॉ बना के चले। सीजीएसटी एक है और एसजीएसटी अपने अपने स्टेट के लिए अलग अलग बन गए हैं। पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर, ये इंटर ट्रांजैक्शन पर आईजीएसटी के लिए रखा है। फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपके माय डियर जीएसटी की जो जद है उससे बाहर हैं। देखिए ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिर आपको बता दें अगर मैं यहाँ गुड्स की बात करता हूँ और यहाँ पर मैं आपसे सर्विसेज की बात करके चलता हूँ। आज अगर गुड्स में देखें तो पहला नंबर आता है टोबैको का और दूसरा नंबर आता है यहाँ पर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और माय डियर गुड्स में और कौन रह गया आपका, सॉरी फाइव ऊपर लिखेंगे यहाँ, फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये आ गया एंड अदर गुड्स। इनके अलावा बाकी जो बच जाते हैं वो अदर गुड्स आपके यहाँ आ जाते हैं। सर्विसेज में सर्विसेज कर रही हैं अपनी। आज टोबैको पे क्या लगता है, पुराना लगता है कि नया लगता है? पुराने के नाम पर यहाँ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है और प्लस माय डियर इस पर जीएसटी भी लगाया जाता है, पुराने में भी है नए में भी है, दोनों में हाथ फैला कैसे बैठा हुआ है। फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर आज पुराना ही टैक्स लगाया जा रहा है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात हम कर सकते हैं, प्लस माय डियर वो वैट सीएसटी जो भी अपना सेल्स टैक्स है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है। ये पूर्ण रूप से पुराने में ही मौजूद है, ये दोनों में शेयरिंग कर ली टोबैको ने। अल्कोहलिक लिकर पर स्टेट को राइट दिया जाता है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस माय डियर जो भी वैट वगैरह है आपका ये सब इस पे लगाया जाता है, ये भी अपना पुराने सिस्टम में ही पड़ा हुआ है पूर्ण रूप से। अदरवाइज के ऊपर आपका पुराना टैक्स नहीं बल्कि जीएसटी लगाया जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो ये जो दो प्रोडक्ट हैं ये बिल्कुल आज भी पुराने में पड़े हुए हैं। टोबैको कुछ पुराने में है और कुछ हिस्सा नए में है, यहाँ पर वैट या सीएसटी नहीं लगाए जाते, उनकी जगह पर जीएसटी लगाया जाएगा। ये हो गया आपकी शराब और ये हो गया माय डियर आपका पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा। तो शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी पेट्रोल पीती है इंसान शराब पीता है, तो दोनों पीकर ना चलाएं, या तो इसे पिलाएं या खुद पिएं, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। सर्विसेज केस में सर्विसेज पर पहले जो सर्विस टैक्स लगता था वो सारी सर्विसेज खत्म, मतलब सर्विस टैक्स पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। हालांकि एक्साइज ड्यूटी आज भी जिंदा है, वैट आज भी जिंदा है, सीएसटी कुछ एक के लिए आज भी जिंदा है, ये जिंदा है आज भी माय डियर, और इनके करस्पॉन्डिंग लॉ भी जिंदा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल 246 में इनकी एंट्री है उनको भी लिमिटेड करके अकॉर्डिंगली इनके लिए लिखा हुआ है। लेकिन जो सर्विस टैक्स है पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, जो सर्विसेज हैं वो सारी की सारी जीएसटी के दायरे में आ चुकी हैं, सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन लिस्ट एटसेट्रा। तो ये जो आपका है पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये जो बात कर रहे हैं ये बात आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए के अंदर आपकी आई है, जिसके माध्यम से कहा कि भाई साहब अभी नहीं लेकिन बहुत जल्द हम इसको लेकर आएंगे जीएसटी में, और आप देखेंगे कुछ समय के अंदर ये शायद आपको जीएसटी में देखने को मिले। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है, हम अभी पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 366 इसके अंदर पढ़ के चलेंगे, जहां पर जीएसटी की डेफिनेशन उन्होंने दी है। जीएसटी में बोला गया है टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज माय डियर एक्सक्लूडिंग ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो इस प्रकार से ये बात अपनी करी गई है, और इसके लिए जो सब पे जीएसटी लगाया जाएगा इसमें अपना आर्टिकल 246 कैपिटल ए अपना है ही जो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है जी। तो जो नहीं है जो पुराने में रह गए वो इन इन आर्टिकल्स के अंदर प्रोविजन आपके दिए हुए हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ मालिक, यहाँ पर आकर आपका ये सेक्शन 3 आर्टिकल 248 ये और ये कोई किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है आपको, ना ही इसकी आवश्यकता है,
आप देखना चाहें तो अपनी मर्जी के लिए देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जो हम बात कर रहे हैं इसमें आपका टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में ना आपको ये देखने की आवश्यकता है। हाँ, अब यहाँ देखिए आर्टिकल 246 कैपिटल ए के बाद में आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए, ये आर्टिकल सपोर्ट दे रहा है कहीं ना कहीं आपके पुराने वाले आर्टिकल 246 कैपिटल ए को, क्योंकि उसमें क्या बात थी, उसमें आईजीएसटी के लिए एक्सक्लूसिव पावर थी, तो ये आईजीएसटी वाली बात को आगे आपके बढ़ाकर देगा। क्या कहता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी कारण से आर्टिकल 246 कैपिटल ए के अंदर एक्सक्लूसिव पावर दी गई थी, उसी को ये सपोर्ट दे रहा है और वो बांटा जाएगा। बांटने वाली बात वहाँ नहीं थी, यहाँ बोल रहा है कि भाई साहब जो लगा रहा जा रहा है ना, वो जो अपोर्शन किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और कंसर्न स्टेट के बीच में, उसको बांटा जाएगा। आगे एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि जो भी आपकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रखी जाएगी उस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को भी हम इंटर स्टेट के नाम से जानकर चलेंगे। और आगे ये बोला जा रहा है कि जो, जैसे हम जानते हैं माय डियर, 14 यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर की एक जो कमेटी बनी हुई थी उसके मुताबिक ये प्रावधान है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई होती है उसमें से 42% स्टेट्स को फंडिंग करी जाती है। ये मैंने आपको लिखवा रखा है, लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं। लेकिन जो आईजीएसटी है, क्या वो आईजीएसटी 42% का पार्ट बनेगा या फिर ऐसे बनेगा कि पहले आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में गया, आईजीएसटी में से आधा तो डायरेक्ट स्टेट को आएगा ही आएगा, बाकी जो आधा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रह गया। अब ये जो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रह गया था, इसमें से 42% घूमकर इनके पास में आएगा। ये बात हमारे सेक्शन नंबर 10 के अंदर और 9 के अंदर मिलाकर दे रखी है। उसके बाद में सेक्शन नंबर आपका ये है 11, जिसमें आर्टिकल नंबर 271 ए है कि बोल रहे हैं कि भाई साहब इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। ये कांग्रेस की बातें हैं, उन्होंने कही थी कि भाई ये एक लिखो हमारे लिए, कहीं आप कहीं चीटिंग ना कर दो, कहीं हम जनता के हित में बात कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने बोला था, सरचार्ज वगैरह नहीं लगाया जाएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका माय डियर आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए। अगर आप महत्वपूर्ण आर्टिकल के नाम पूछेंगे तो आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए, 269 कैपिटल ए और 279 कैपिटल ए यहां पर दे रखा है। आर्टिकल जो 269 कैपिटल ए है उसकी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं, उसमें लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि जो आईजीएसटी है, जो आईजीएसटी है ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे लगाया जाएगा और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन को डिफाइन करने की पावर किसके पास में होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है इंट्रा है कि इंटर है, ये पावर एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होनी चाहिए। स्टेट के पास में होती तो लड़मर के मर जाते, इसीलिए आपका जो तीसरा गेट है प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी जो पावर है माय डियर वो दे रखी है एक्सक्लूसिवली, पावर किसके पास में, वो एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है। आईजीएसटी के अंदर आपके इंट्रा और इंटर को डिफाइन किया जाता है। देन हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए, तो मैं लिस्ट आपके लिए बता रहा था 279 ए और एक है आपका 366, ये आपके चार आर्टिकल यहाँ पर मुख्य हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें जीएसटी काउंसिल की बात करी जा रही है। आज की डेट में अगर कोई भी घटना घटित होगी तो जीएसटी काउंसिल का जिक्र जरूर आएगा। इंडस्ट्रीज की डिमांड है माय डियर, इंडस्ट्री की डिमांड अपने किसके पास लेकर जाएंगी, वो लेके जाती हैं अपनी जीएसटी काउंसिल के पास में। जीएसटी काउंसिल क्या है, उसमें एक हमारे चेयरपर्सन के रूप में हो गए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जितने भी स्टेट हैं उनके अपने अपने फाइनेंस मिनिस्टर आ गए और कुछ विशेष लोग और बैठे हुए होते हैं। तो उसके बाद में फिर क्या होगा जी, कोई भी प्रपोजल जब इंडस्ट्री की तरफ से आता है कि हमें ये बदलाव चाहिए तो उस पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा की जाती है, समय समय पर उनकी मीटिंग्स होती रहती हैं। मीटिंग्स के अंदर एक कंक्लूजन निकलता है, कोई भी प्रपोजल पास होने के लिए कम से कम 75% वोटिंग, उस फेवरेबल वोटिंग होनी जरूरी होती है। अगर वहाँ से पास हो गया, जीएसटी काउंसिल की सहमति बन जाती है तो वो तुरंत लॉ नहीं बन जाता, फिर वो पार्लियामेंट में जाएगा, वहाँ से मोहर लगेगी, उसके बाद में फिर माय डियर उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रही वो लॉ का पार्ट नहीं बन सकता। जैसे नोटिफिकेशन आई वो चीज़ लॉ का पार्ट आपके बना दी जाती है। तो जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो उसमें कोई कंक्लूजन निकल के आए तो ध्यान रखना वो लॉ का हिस्सा नहीं है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक लॉ की बात नहीं करेंगे। ये जीएसटी काउंसिल किन किन मुद्दों पर काम करती है, ये पूछो किस पर काम नहीं करती है, सारे मुद्दे सीखे हैं।
गुड्स सर्विस सप्लाई इंट्रा इंटर टैक्सेबल पर्सन एग्जम्पशन रेट कंपोजिशन ईच एंड एवरीथिंग जीएसटी के हर एस्पेक्ट पर ये काम करके चलती हैं, उसके संबंध में डिसीजन मेकिंग का काम करके चलती हैं माय डियर। 75% की काउंटिंग कैसे करते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ये स्टेट, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट की 1 वोट होती है और इसकी मान लीजिए 31 वोट हैं अपनी, दिल्ली पौंडीचेरी भी स्टेट की कैटेगरी में आपके आ जाते हैं, ठीक है। अगर इसने प्रपोजल आया कि भाई साहब इस पे डस्टर के ऊपर से रेट जो है वो 18% से घटकर 5% हो जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेवरेबल लोड कर दिया, ओके हम सहमत हैं। ये आ गई परसेंटेजेस की, यहाँ पर एक का एक वोट डाल दिया। इस पर आपके स्टेट जो थे वो मान लीजिए 22 स्टेट इस पर एग्री कर जाते हैं, कैलकुलेटर देना अभिषेक, 22 स्टेट्स पर एग्री कर जाते हैं, तो देखते हैं कि कितने परसेंट फेवरेबल वोटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और कितने परसेंट फेवरेबल वोटिंग हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होती है। यहाँ पर वोटिंग हो गई 100% की फेवरेबल हो गई, क्योंकि वोट एक ही है माय डियर, इनके 31 वोट हैं, तो यहाँ जरा बताना कितने परसेंट आया, मैं आपको बता देता हूँ। है मेरे पास में अभिषेक, यह आ गया तुम्हारा 22 / 31 70.96, ये आ गया 70.96% ये अपने यहाँ पर आ जाता है। अब कैसे निकालें 75%, तो गवर्नमेंट ने इनको वेटेज दी कि हम आपके वोट के वेटेज रखेंगे 1/3 और आपके वोट का वेटेज रखे के चलेंगे हम 2/3, ऐसे रख के चलेंगे। तो 1/3 का मतलब 33.33% आपका यहाँ पर आ जाएगा ये, और इसका अगर मैं 2/3 करके चलूँ, इसका अगर मैं 2/3 करके चलूँ 70.96 × 2/3 तो आ गया 47, ये आ गया 47.31, ऐसे करके ये आ जाएगा परसेंट। दोनों को ऐड करके देखते हैं कितना आएगा, ये इतना आ गया और प्लस माय डियर 33.33, दिस इज 80.63। तो ये जो आपका आया है तो यानी कि प्रपोजल इस पर पास हो जाएगा, दैट शुड बी एटलीस्ट 75%, 75% और मोर है तो प्रपोजल पास होगा, अदरवाइज प्रपोजल पास नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर कैलकुलेशन करके चलते हैं, वही सारी बातें आपको यहाँ पर बता रखी हैं। इसी के अंदर ये बताया गया है कि हर एक स्टेट का लॉ एक जैसा लॉ होगा जब तक इसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में कोई बात निकल के ना आए और जीएसटी काउंसिल उसके लिए अप्रूवल ना दे दे, तब तक सबका लॉ एक जैसा ही रहेगा। उसके बाद में फिर सेक्शन नंबर 13 है, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, नो माय डियर नॉट एट ऑल। हाँ, सेक्शन नंबर 14 आर्टिकल नंबर 366 जीएसटी। जीएसटी क्या है, मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये जीएसटी की परिभाषा से बाहर है, इसी कारण से ये आज भी पुराने सिस्टम के अंदर माय डियर पड़ा हुआ है। सेक्शन 15 आपको ये करने की इस समय आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ना सेक्शन 16 है, और सेक्शन 17 नो। हाँ, 18 के अंदर ये आपका बता रखा है कि भाई साहब यहाँ पर कंपनसेशन सेस हम देकर चलेंगे स्टेट को, स्टेट को 5 साल के लिए हम कंपनसेट करके चलेंगे। ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है कि जिस दिन आपका ये मिड सेप्टेम्बर में कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का लॉ बनकर तैयार हो गया था, बोला था कि इसके 1 साल के भीतर भीतर तक आपका जीएसटी आ जाना चाहिए, नहीं तो ये जो आपके चेंजेस हैं इफेक्ट में आ जाएंगे, पुराने टैक्सेस को आपको लेवी करने का राइट आपका ख़त्म हो जाएगा। तो 1 साल का समय 15/9/2017 या फिर जीएसटी इंट्रोडक्शन की डेट विच एवर इज अर्लियर, उस दिन ये इफेक्ट में सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, पुराने टैक्सेस आपके ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो इन दोनों घटनाओं में 15/9 से पहले 1/7/2017 को आपका जीएसटी आ गया था, तो ये डेट इससे पहले आ गई। तो जैसे ये डेट लगी उसी वक्त उसी क्षण माय डियर पुराने टैक्सेस खत्म हुए और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पावर ऑफ डिफिकल्टीज इसमें सॉल्यूशन था, हालांकि करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर कहीं कोई दिक्कत आई, जैसे मान लीजिए यही अगर ना कर पाते 1 जुलाई 2017 तक, तो प्रेसिडेंट को पावर थी कि इस डेट को वो आगे बढ़ा सकते थे। तो ये हमारी बातें हैं यहाँ पर। तो मुख्य रूप से 4 आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके महत्वपूर्ण है। समय देखो कॉमन क्या है, AAR 246A, इसको सपोर्ट दे रहा है ये वाला, ये जीएसटी काउंसिल का, और एक आर्टिकल नंबर 366, 4 आर्टिकल आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर। हालांकि मैंने पूरा एक्ट आपको यहाँ बता रखा है, पढ़ा रखा है, ईच एंड एवरीथिंग नोटिंग मैंने आपको करा रखी है, पर इस मोमेंट पर लास्ट मोमेंट पर 4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
फिर आगे बता रखा है, देखिए यहाँ पर आकर आर्टिकल नंबर 246 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। हालांकि आप देखना चाहो तो देखो, वरना इसे आप खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हो। आज एक्साइज ड्यूटी किस पे लग रही है? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगाई जा रही है माय डियर, और लग रही है आपकी वो जिन जिन पे लग रही है तो वो यहाँ आ गए, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और टोबैको आपका यहाँ पर आ गया। तो कॉरस्पॉन्डिंगली अमेंडमेंट किए गए हैं उनके अंदर। 92 ये ख़त्म हो गया है, 92C पहले थी भी नहीं, सर्विस के लिए हुआ करती थी और वैसे वो ख़त्म हो गया, तो उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं रह गई है। ऐसे ही अपना यहाँ पर 54 के अंदर वैट जिन जिन पर लग रहा है आज की डेट में, उन उनके लिए वैट की एंट्री को सीमित कर दिया गया है। मतलब कॉन्सिक्वेंटली ये प्रोविजंस आपके यहाँ पर डाले गए हैं। अल्कोहलिक लिकर आज भी माई डियर है तो उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, तो वो ज्यों का त्यों जिंदा है। CST के लिए एंट्री नंबर 92A दायरा लिमिटेड कर दिया गया, क्योंकि CST आज सभी पे नहीं लग रहा, कुछ चुनिंदा चीज़ों पर ही CST आपका लगाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको किए गए, ये पेज था द टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे काटा मार सकते हैं। और ये फाइनल टेबल मैंने आपको यहाँ पर दे रखी है, जो कि आपके बोर्ड पर भी मैंने आपको बता रखा है किस पर क्या लगाया जाएगा, वही चीज़ यहाँ टेबल के माध्यम से आपको दे रखी है। तो इस प्रकार से ये रही आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई बातें माय डियर। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब आती हैं आपकी यहां पर डेफिनेशंस। चलो बाबूजी हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशंस की। हर एक डेफिनेशन लेफ्ट हैंड साइड पर उसका मैंने एनालिसिस आपको दे रखा है प्री प्रिंटेड, जहां आवश्यकता पड़ी है मैनुअली भी मैंने आपको नोटिंग कराई है। जो मैंने करा रखा है वो मैं बोल रहा हूं, आप देखते रहेंगे उसको, ठीक है। सबसे पहला है एक्शनेबल क्लेम क्या है। हम जानते हैं एक्शनेबल क्लेम गुड्स होता है, हाँ गुड्स की बॉक्स नंबर 1 पर गुड्स है, या पहले इसको सम मीनिंग समझते हैं। एक्शनेबल क्लेम का मतलब कि मुझे भविष्य में कोई भी संपत्ति या कोई एसेट मिल सकती है या मिलने वाली है, पर इसका मिलना कॉन्टीजेंट है माय डियर, जैसे कि पेंडिंग लिटिगेशंस, क्लेम का पैसा, अनसिक्योर डेटर्स वगैरह वगैरह, ये हैं, सर्टेनिटी नहीं है, उसे बुलाकर चलते हैं हम एक्शनेबल क्लेम से, नाम से जानकर चलेंगे। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये सब एक्शनेबल क्लेम के रूप हैं। मैं मानता हूं कि जैसे टाटा स्काई का वाउचर वगैरह, नहीं, इसमें सर्टेनिटी होती है कि जितने का आपने वाउचर लिया है उतना आपको बेनिफिट पक्का मिलना ही मिलना है, उसमें अनसर्टेनिटी कुछ नहीं होती, इसलिए वो टाटा स्काई का जो वाउचर है वो आपका एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में नहीं आता है, ठीक। एक्शनेबल क्लेम का रोल क्या है GST में? ये गुड्स की परिभाषा में तो आता है, लेकिन जब बॉक्स नंबर 2 पर सप्लाई में पहुंचते हो आप, तो वहां पर जाकर माय डियर ये आपका क्या हो जाता है जी, ये आपका क्या हो जाता है, हाँ क्या क्या हो जाता है, क्या बताया, वहां पर जाकर जो आपका बॉक्स 3 है जो हम बात कर रहे हैं उसमें आपसे उसकी ई मैजिक के अंदर बात करते हैं, नेगेटिव सप्लाईज की जो बात करते हैं, तो वहां पर सिर्फ एक्शनेबल क्लेम का बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी ही रह जाता है, बाकी फॉर्म ऑफ एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं माना जाता एंड नो क्वेश्चन ऑफ GST। तो सिंपल वर्डिंग्स में ये बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी लाइबल टू GST, रेस्ट फॉर्म ऑफ एक्शनेबल क्लेम नॉट लाइबल टू GST, ठीक है। सारी बात आपकी यहाँ लिखी हुई है। एक्शनेबल क्लेम डिफाइंड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है, और इन सिंपल वर्डिंग्स एक्शनेबल क्लेम मीन्स एज आई हैव राइट टू रिसीव एनी बेनिफिट एसेट इन फ्यूचर विच इज कॉन्टीजेंट, बैटिंग, पेंडिंग लिटिगेशन, ये सारी बात लिखी हुई है। हाउएवर GST रेजिम में बैटिंग, गैम्बलिंग एटसेट्रा, बस यही आपका GST के दायरे में आएगा, रेस्ट ऑफ द फॉर्म आपकी GST के दायरे में नहीं आएंगे। DTH वाउचर वगैरह ये एक्शनेबल क्लेम आपके नहीं होते हैं, ठीक। ये तो आप जानते हैं बाबा की बूटी, 9 बातें 9 पॉइंट आपके वहां दे रखे हैं। पहला गुड्स और सर्विसेज है, मनी सिक्योरिटी को छोड़कर सब कुछ गुड्स या सर्विस की कैटेगरी में आ जाता है। दूसरा सप्लाई का है, जिसके 4 हिस्से हैं। पहले बॉक्स में पार्ट 1 में सप्लाई का मीनिंग बताया जाता है, सेल, एक्सचेंज, बार्टर वगैरह, कई बार रिपीटेशन बातें आई हैं।
राइट हैंड साइड पर आरबीआई की एजेंसी है जिसमें विदाउट कंसीडरेशन भी हमारी सप्लाई हो सकती है, उसकी बात बताई गई है। थर्ड बॉक्स के अंदर इंट्रा और इंटर की बताई गई है कि ओरिजिन डेस्टिनेशन का खेल बताया गया है। चौथे में टैक्सेबल पर्सन है, जिसमें कि हम बात करके चलते हैं माय डियर कि कब आप टैक्सेबल पर्सन बनेंगे, कब टैक्सेबल पर्सन नहीं बनेंगे। पाँचवें में तमाम एग्जम्पशन है। छठे के अंदर वैल्यूएशन है। सातवां एनसीएम और आरसीएम है। आठवां टाइम ऑफ सप्लाई, गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। और उसके बाद में नवा आपका IM4R की बात हम वहाँ पे करके चल रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है। यस सर, एक बार रिकॉल करा दिया मैंने बाबा की बूटी। तो अगला है एड्रेस ऑफ डिलीवरी। एड्रेस ऑफ डिलीवरी, इस शब्द की, इन शब्दावली की हमें ज़रूरत पड़ती है गेट नंबर 3 पर जाकर माय डियर। और गेट नंबर 3 पर जाकर जब हम देख रहे होते हैं, डेस्टिनेशन ढूंढ रहे होते हैं, ओरिजिन और डेस्टिनेशन दो शब्द होते हैं, डेस्टिनेशन जब ढूंढ रहे होते हैं तो वहां पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मीनिंग क्या हो गया एड्रेस ऑफ डिलीवरी का, मतलब देखो जरा ध्यान से, मीन्स एड्रेस ऑन टैक्स इनवॉइस ऑफ द रेसिपियंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब रेसिपियंट का एड्रेस टैक्स इनवॉइस पर। इट इज़ रेलिवेंट टू डिसाइड प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि डेस्टिनेशन के लिए काम आता है। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, कई बार ये तो हमारे लिंकेज में आया था, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, किसका एड्रेस, रेसिपिएंट का एड्रेस, किसके रिकॉर्ड पर, सप्लायर के रिकॉर्ड पर। सप्लायर के रिकॉर्ड पर रेसिपिएंट का अगर एड्रेस होता है तो मान के चलते हैं कि हमें उसकी लोकेशन पता है और उसी की लोकेशन पर जनरली हम डेस्टिनेशन बनाकर चलते हैं। वही बात आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है जी। इट इज़ रेलिवेंट टू डिटरमिन प्लेस ऑफ सप्लाई, जैसे मान लीजिए ये रजिस्टर्ड है, ये अनरजिस्टर्ड है, लेकिन इस अनरजिस्टर्ड होने के बावजूद इसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड सप्लायर की किताबों में आ रहा है, तो इसी के प्लेस पर हम डेस्टिनेशन मानकर चलेंगे। यहाँ से आपको शायद दिखाई ना दे रहा होगा, इसलिए आप अपनी बुक में ही देखकर चलेंगे माय डियर। आगे एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी, इस शब्द की जरूरत पड़ती है आपको अपने मॉड्यूल नंबर 4 में जाकर। वहाँ पर एडजुडिकेशन का मतलब है तमाचा मानने वाली टीम, जो आपके लिए एक OIO इशू करके चलते हैं, बेसिकली उनको बोला जाता है। लिखा है एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू पास एन ऑर्डर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए क्या इनको एडजुडिकेटिंग बोलेंगे? जैसे आपकी एक अपलेट अथॉरिटी आया करती थी, यानी फर्स्ट अपलेट अथॉरिटी, एक रिविजनरी अथॉरिटी है, वो भी नहीं बनेगी ना। GST अपलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, CBEC आपका, ये सब बोर्ड, ये सब आपके माय डियर, ये कोई तमाचा मानने वाली टीम में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका पार्ट नहीं बनाए जाएंगे। CBEC, रिविजनरी अथॉरिटी, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, अपलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, ये सब के सब आपके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई तो क्लेरिफिकेशन देने वाला है, कोई OIA देने वाला है, कोई एडवांस रूलिंग देने वाला है, ये तमाचा नहीं मारते हैं, और हम उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन जो तमाचा मानने वाली टीम में शामिल होते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आगे है एजेंट। एजेंट शब्द का इस्तेमाल बाबा की बूटी के बॉक्स नंबर 2 में किया जाता है, जहाँ पर हम प्रिंसिपल और एजेंट की बात करते हैं। एजेंट अपने प्रिंसिपल से ले रिया है या प्रिंसिपल को दे रिया है माय डियर, दोनों सिचुएशंस के अंदर हम वहाँ पर सप्लाई मान के चलते हैं, भले ही वो उसमें कंसीडरेशन का जिक्र ना किया जा रहा हो। अब एजेंट होता कौन है, इसको किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है, जैसे आड़तिया, डेल क्रेडिट कमीशन, या कोई और बिचौलिया, किसी भी नाम से बुला सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर एजेंट उसे कहेंगे जो किसी दूसरे के बिहाफ पर माय डियर काम करके चलता है। अगर इस परिभाषा को मैं देखूं लीगल टेक्स्ट में तो कैसे लिखी हुई है, एजेंट मींस अ पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर बोलो, ब्रोकर बोलो, कमीशन एजेंट बोलो, आढ़तिया बोलो, डेल क्रेडिट एजेंट बोलो, ऑक्शनियर बोलो, एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट बोलो, किसी भी नाम से बुलाओ, हु कैरीज ऑन, मुद्दे की बात, हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसीट, चाहे दे रिया हो चाहे ले रिया हो, ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। यहाँ अनदर किसे बोल रहे हैं, जो प्रिंसिपल आदमी है उसे यहाँ अनदर बोला जा रहा है। एजेंट के बाद में आपके छठे नंबर पे आता है एग्रीगेट टर्नओवर की हम बात करके चलते हैं माय डियर। ये रहा आपका एग्रीगेट टर्नओवर, ईच एंड एवरी डेफिनेशन आपकी यहाँ पर राइट लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही है। एग्रीगेट टर्नओवर क्या है आपका, हम इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, जब भी हम 10 लाख या 20 लाख की लिमिट निकालेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर की ज़रूरत पड़ेगी हमें। जब भी हम माय डियर 75 लाख या 1 करोड़, जो पहले आपकी लिमिट हुआ करती थी 75 लाख और 50 लाख कॉम्पोजिशन के लिए,
इन लिमिट्स को 25-25 लाख से बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो 75 थी वो 100 हो गई है और जो आपकी 50 थी वो 75 हो गई है। तो 100 लाख या 75 लाख की जब लिमिट कंप्यूट करते हैं तब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। और तीसरा, हम एग्रीगेट टर्नओवर ISD कॉन्सेप्ट के अंदर भी निकालते हैं। जब स्टेट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो कहीं पर कहीं इसकी ज़रूरत हमें पड़ के चलती है। तो इन पर्पसेस के लिए माय डियर हम अपनी बात करके, इन पर कौन मांग रहा है तो इसके लिए माय डियर हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करके चलते हैं। कैसे निकालते हैं एग्रीगेट टर्नओवर? ऑल सप्लाई, ऑल मींस ऑल, चाहे आपकी, और वो भी ऑल इंडिया बेसिस पर और पैन वाइज, ऑल इंडिया बेसिस पर पैन वाइज। ये तो बहुत बार लिंकेज में आई थी। ऑल सप्लाई में आ गई, टैक्सेबल भी आ गई, एग्जेम्प्टेड भी आ गई और ज़ीरो रेटेड भी आ गई। ज़ीरो रेटेड को सेक्शन 16 में बताया जाता है। सेक्शन 16 में बताया था कि कैसे इसका ट्रीटमेंट करके चलेंगे। जो भी आपके रियल एक्सपोर्ट या डीम्ड एक्सपोर्ट हैं वो आपके ज़ीरो रेटेड कहे जाते हैं, ठीक बात है। दूसरा माय डियर, यहाँ पर टैक्सेबल और आपके एग्जेम्प्टेड दोनों आते हैं। टैक्सेबल जिस पर टैक्स लगता हो, एग्जेम्प्टेड का मतलब तीन बातें हो गई, उनमें एक चाहे वो 100% एग्जम्पशन नोटिफिकेशन का शिकार हो, चाहे वो निल रेटेड हो, या फिर वो नॉन टैक्सेबल, जैसे एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नॉन टैक्सेबल भी है तब भी हम उसे यहाँ पर काउंट करके चलेंगे। हालांकि ये चीटिंग है माय डियर, लेकिन मैंने आपको बताया था 10 लाख और 20 लाख की एग्जम्पशन छलावा है, दे जरूर रखी है लेकिन छीनने में भी कोई कोशिश कसर नहीं छोड़ी, दरअसल छीनने का हर प्रयास उन्होंने कर दिया है। दूसरा, जब मैं जॉब वर्कर को माल अपना रॉ मटेरियल वगैरह ट्रांसफर करता हूँ तो क्या मुझे बताइए उसे शामिल करेंगे? नहीं, क्योंकि वो चीज़ सप्लाई ही नहीं है। सप्लाई हो तो शामिल करूँ, बिकॉज ऑल सप्लाई मुझे जोड़नी है। जॉब वर्कर के यहाँ से वापस लौट के आएगा, क्या उसे ऐड करूँगा? नहीं ऐड करूँगा, क्योंकि वो भी सप्लाई नहीं है। मान लीजिए मैंने जॉब वर्कर को माल दे दिया और जॉब वर्कर के यहाँ से मालिक तो मैं ही हूँ ना उसका, जॉब वर्कर के यहाँ से डायरेक्ट मैंने बाजार में बेच दिया। अब अपने यहाँ ला के बेचूँ या वहीं से बेच दूँ, ये तो मेरी सप्लाई में काउंट किया जाना चाहिए और ये निश्चित तौर पर एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में भी आएगा। तो टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड में निल रेटेड और ये एग्जम्पशन, नॉन टैक्सेबल ज़ीरो रेटेड, और ये सब आपकी आ गई कि यहाँ से जॉब वर्कर को भेजोगे नहीं आएगा, वहाँ से लौट के आएगा नहीं आएगा, लेकिन वहाँ से भेज दोगे तो जुड़ जाएगा। आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई अगर आपकी है तो RCM में हो या NCM में, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये सब ऐड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो ऑल सप्लाईज हैं आपकी आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं। वैसे इनवर्ड सप्लाई होती क्या है? जो भी आ रहा है, खरीद क्या रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, विद कंसीडरेशन है, विदाउट कंसीडरेशन है, मुझे मतलब नहीं है, जो भी बिजनेस पर्पज के लिए आ रहा है वो सब का सब आपका इनवर्ड सप्लाई की कैटेगरी में आ जाता है। आगे परिभाषा आ रही है एग्रीकल्चरिस्ट की। एग्रीकल्चरिस्ट इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? बाबा की बूटी बॉक्स नंबर 4 पर। जो भी आपके एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी से बाहर हैं, इसलिए मैं जानना जरूरी होता है कि आखिर एग्रीकल्चरिस्ट होते कौन हैं। किसान आदमी जो स्वयं खेती करे या जो परिवार के सदस्यों से खेती करवाए, फैमिली मेंबर, या हायर्ड लेबर से काम करवाए और उस हायर्ड लेबर को खुद या परिवार का कोई सदस्य मैनेज करता हो, देखता हो, सुपरवाइज करता हो। यहाँ पर एक शब्द और आया दूसरे पॉइंट में, फैमिली। फैमिली का क्या मतलब है? फैमिली में स्पाउस वो आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, माता पिता आ जाएंगे, दादा दादी आ जाएंगे, भाई बहन आ जाएंगे, अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं, आपकी ही कमाई खा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो भी आपके आ जाएंगे। बहन है, शादी हो गई है, आपकी कमाई नहीं खा रही है इसलिए वो आपके परिवार में काउंट नहीं होगी। भाई है, शादी हो गई, कमा रहा है अपना परिवार, वो आपके परिवार में काउंट नहीं किया जाएगा। भाई बहन छोटे जिनकी शादी वादी नहीं हुई है, जो आप ही के ऊपर, आप ही पढ़ा लिखा रहे हो, आप ही के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनकी यहाँ पर बात करी जा रही है तो उनको भी यहाँ पर शामिल करके चलेंगे फैमिली वर्ड के अंदर। ये जो शब्द आपका आया था फैमिली, यहाँ पर करके चलेंगे। इसका एनालिसिस लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने आपके लिए दे रखा है माय डियर, ठीक है जी। उसके बाद अपलेट अथॉरिटी, ये आपकी वही जो फर्स्ट अपलेट अथॉरिटी होती है, सेक्शन नंबर 107 के अंदर हमें इसकी जरूरत पड़ती है। जो अपील वाला डायग्राम याद है, बड़ा मस्त सा डायग्राम था आपका, टनाटन वाला, जहां से ओ आई ओ से पहले पहुंचते हैं
अपलेट अथॉरिटी के पास में, उसके जस्ट बराबर में रिविजनरी अथॉरिटी बैठी हुई थी, तो ये उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। तो मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। आगे अपलेट ट्रिब्यूनल, अपलेट ट्रिब्यूनल का मतलब संदीप वही GST अपलेट ट्रिब्यूनल माय डियर, जो हम अपील के चैप्टर में पढ़ के चलते हैं, जिसके बारे में काफ़ी व्याख्या मैंने आपको दे रखी है कि दो प्रकार की होती है, एक नेशनल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर अपलेट ट्रिब्यूनल। तो उन्होंने रेफरेंस दे दिया कि वहाँ जाके पढ़ लो जो लिखा हुआ है, और वहाँ मैंने पूरी डिटेल में चर्चा दे रखी है, और डिटेल में आ जाएगा जब मॉड्यूल नंबर 4 का हम रिविजन वीडियो तैयार करेंगे, ठीक है जी। अपॉइंटेड डे, ये क्या है? अपॉइंटेड डे का मतलब वही 1/7/2017, दिस इज योर अपॉइंटेड डे, ठीक है। असेसमेंट क्या होता है, ये बात आपकी आती है मॉड्यूल नंबर कौन से में आ जाती है? 4, मॉड्यूल नंबर 4 की शुरुआत ही आपकी यहीं से होती है, सेक्शन नंबर 59, 60, 61, वो सब असेसमेंट पर ही बेस्ड है। असेसमेंट का मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और इसके अलग अलग रूप हैं, री असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट, नॉन फाइलर का, नॉन रजिस्ट्रेंट का, ये सब किस्म आइडियाज के रूप रखे जाते हैं। सेल्फ असेसमेंट, री असेसमेंट, प्रोविजनल, समरी असेसमेंट सेक्शन 64, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट में जाते हैं नॉन फाइलर और नॉन रजिस्ट्रेंट, इनका कराया जाता है बेस्ट जजमेंट। आगे है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। एसोसिएट एंटरप्राइजेस का मतलब वो जो आपके इनकम टैक्स के सेक्शन नंबर 92A के अंदर दे रखा है, जिसमें 26% एक्सेट्रा की मैंने आपसे बात करी थी बाबूजी। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? टाइम ऑफ सप्लाई के जब हम बात करते हैं बॉक्स नंबर 8 पर आकर, तो यहाँ बोलता है कि अगर हिंदुस्तान के बाहर से हम कोई सर्विसेज वगैरह इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वहाँ पर इन्होंने बोला कि पेमेंट की डेट और बुकिश एंट्री की डेट whichever is earlier, जो भी दोनों में पहले होगा उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई बना देंगे। तो उस purpose के लिए, वहाँ बॉक्स नंबर 8 के लिए इसके में आवश्यकता पड़ती है। अगला शब्द आ रहा है आपके लिए ऑडिट। ऑडिट का मतलब, तो मैंने ये बोला था, मुझे आज भी याद है, ऑडिट मीन्स ऑडिट, ठीक। इसमें मैं क्या बोलूँ, आप इसे खुद देख लीजिएगा। ऑथराइज्ड बैंक, ऑथराइज्ड बैंक वो हैं जहाँ पर आप अपना ये टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह, जो गवर्नमेंट रेवेन्यूज हैं, जो गवर्नमेंट को जो पैसा जाना है, जिन जिन बैंक को गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा इन पर्पजेज के लिए, 28-29 बैंक हैं आपके, वो आपके यहाँ ऑथराइज्ड बैंक कैटेगरी में आ जाते हैं। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ये कौन होता है? जो आपको रिप्रेजेंट कर सके, आपका एम्प्लॉय हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका सीए हो सकता है, आपका लॉयर हो सकता है, ये आपकी बात यहाँ पर आती है। और अपील वाले चैप्टर में ये हमें देखने के लिए मिलता है, याद है, अपील वाले चैप्टर में ये हमें देखने के लिए मिलता है, डिटेल में हमारा सेक्शन है, पढ़ेंगे माय डियर संदीप। उन्होंने तो रेफरेंस दे दिया कि 116 में जाके पढ़िए, तो अपील के चैप्टर में जाके हमें देखने को मिलता है कि ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है। बोर्ड, बोर्ड का मतलब CBSE अपना जी, ठीक है जी। बिजनेस की डेफिनेशन, भाई साहब ये तो आपको खुद ही पढ़नी है, बिजनेस की डेफिनेशन ये तो आपको वीडियो को पॉज कर दो, ये तो खुद ही पढ़नी है। हालांकि मैंने इसका एनालिसिस यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दे रखा है, और मुझे बताना कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो इन्होंने बिजनेस की डेफिनेशन से छोड़ दी है। हालांकि परिभाषा इशू हो रही है इंक्लूड वर्ड से लेकर, है ना जी, इंक्लूड से लेकर शुरुआत हो रही है इसकी, कि इसमें ये भी शामिल रहेगा, बाकी सब तो है ही है, ये भी। तो आपको ये बताना है मुझे मैसेज करके कि क्या छोड़ रखा है इन्होंने, सब कुछ इसमें डाल दिया है। बिजनेस वर्टिकल जी, रोल क्या है बिजनेस वर्टिकल का? रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज है, लेकिन विद इन द स्टेट इफ यू हैव मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल देन यू मे ऑप्ट फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन एज बिजनेस वर्टिकल वाइज। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का शोरूम है, एक कोचिंग एयरलाइन की फ्रेंचाइज ले रखी है, एक रेस्टोरेंट है, माइडिया, सबका नेचर अलग अलग है। एक में आई हुई मंदी दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब रिस्क और रिटर्न सबके अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, उसे बोलते हैं डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल, ठीक है जी। तो वही सारी बात यहाँ पर दे रखी है कि कैसे पता करेंगे, नेचर क्या है गुड्स का, उसके आधार पर तय करेंगे कि वो सेम है कि डिफरेंट है। हाँ भैया, रेस्टोरेंट में अलग है और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का शोरूम अलग है। नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप ऑफ क्लास ऑफ कस्टमर, एयरलाइन फ्रेंचाइजी अलग है, वहाँ कस्टमर कोई और आ रहा है, रेस्टोरेंट में कस्टमर कोई और टाइप का आता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स शोरूम पर कोई और टाइप का आता है, माय डियर। मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स, मेथड कौन सा लगा रहे हैं आप, वो यहाँ पर बात हो गई हमारी। द नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, लाइक जैसे IRDA एप्लीकेबल है या बैंकिंग रेगुलेशन एप्लीकेबल हैं, तो इनसे भी आपके पता लगता है कि वो बिजनेस वर्टिकल सेम है, एक ही बिजनेस है या अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस वर्टिकल मतलब टाइप ऑफ बिजनेस, अलग अलग है या एक ही है। नेक्स्ट आ रहा है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के साथ दो परिभाषाएं दहेज में हैं,
एक इनपुट की और एक इनपुट सर्विसेज की। क्या है कैपिटल गुड्स? पहले पुराने समय में ये परिभाषाएं बड़ी कॉम्प्लेक्स कर रखी थी, आज बहुत आसान कर दी हैं। आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए कोई ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हो जिसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कैपिटलाइज करोगे, माय डियर, जिसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आप कैपिटलाइज करोगे, वो हर एक आपकी बिजनेस असेट जो कैपिटलाइज हो रही है, गुड्स की बात कर रहा हूँ, गुड्स की, कोई भी वो गुड्स जो आपकी किताबों में कैपिटलाइज हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, कोई भी वो गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी जो किताबों में कैपिटलाइज हो रही है उसे हम कैपिटल गुड्स बुला के चलेंगे। और कोई भी और बिजनेस के लिए परचेज आपने करी हुई है लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं हुई, वो आपकी इनपुट बना दी जाएगी। बिजनेस के लिए होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चीज का, मैं 100 लैपटॉप लेकर आया, मेरा लैपटॉप में बिजनेस है, 99 मैंने बेच दिए, एक मैंने खुद के पर्पस के लिए ऑफिस में रख लिया, मैं खुद अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके चलूंगा उस पर, जो मैंने खुद के लिए रख लिया वो मेरा कैपिटल गुड्स है, 99 वो मेरे कैपिटलाइज नहीं होंगे, वो मेरा इनपुट यहाँ पे रखवा दिया जाएगा। इसी प्रकार से इनपुट सर्विस, कोई भी वो सर्विस जो मैंने बिजनेस पर्पस के लिए माय डियर ली है, वो मेरी सर्विस यहाँ पर इनपुट सर्विस बना दी जाएगी। लेकिन हमें ध्यान रखना है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, जिसमें कुछ एक नेगेटिव सप्लाईज की बात कर रखी है कि कृपया करके इन इनको हम क्रेडिट नहीं देना चाहते, तो इन इन केस में वो कैपिटल गुड्स नहीं बनेंगे, कहीं इनपुट नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे करके उन्होंने मना कर रखा है, तो हमें उस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रख के चलना है। ठीक, तो जो कैपिटलाइज किया वो कैपिटल गुड्स बिजनेस के लिए है लेकिन कैपिटलाइज नहीं हो पाया, गुड्स था वो इनपुट, और सर्विसेज हैं बिजनेस पर्पस के लिए हैं, वो हमारी इनपुट सर्विस बना दी जाती हैं। इसके लिए प्रॉपर टेबल मैंने माय डियर आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर ये दे रखी है, ये आ गई यहाँ पर प्रॉपर टेबल आपकी, ये आ गई कैपिटल गुड्स इनपुट्स इनपुट सर्विसेज, ये सारी बात आपकी मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में फिर अगला पॉइंट आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कई बार इसकी लिंकेज हो चुकी है। कैजुअल, हरियाणा का व्यक्ति दिल्ली में ट्रेड फेयर पर्पस के लिए आता है, तो दिल्ली में उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है, ये गलियां या चौवारा, यहाँ आना ना दोबारा, कभी कभार ओकेजनली, दो शब्द थे, ओकेजनली ट्रांजेक्शंस के लिए आया है और दूसरे स्टेट में उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है, तो दूसरे स्टेट में आकर उसे एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और एडवांस में ही माय डियर उसे अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जमा करनी पड़ेगी। जो आरसीस को दी जाती है वो मैक्सिमम 90 डेज के लिए है, फिर भी पीरियड को बढ़वाना चाहता है तो पहले एस्टिमेटेड लायबिलिटी और जो बनेगी इसकी वो इसे जमा करानी पड़ेगी, आफ्टर दैट इसको फर्दर 90 डेज के लिए एक्सटेंशन और दिया जा सकता है, ऐसी बातें इसके बारे में प्रचलित हैं। क्या लिखा है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेसेस, ओकेजनली, और चाहे एजेंट के माध्यम से या प्रिंसिपल के माध्यम से, इन स्टेट और यूटीज वेयर ही हैज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पर इसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। दो बातें, स्थायी ठिकाना नहीं है और ऑकेजनली ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। लेफ्ट हैंड साइड पर ये चीज आपकी मैंने दिखा भी रखी है, लिखी हुई भी है माय डियर। सेंट्रल टैक्स का मतलब CGST, कम सेस का मतलब कंपनसेशन सेस, ये ठीक है, CA कमिश्नर, ओके, और कमिश्नर इन बोर्ड, जो बोर्ड में बैठा है वो कमिश्नर हो गया। अच्छा, कमिश्नर वो देखो सेक्शन 3 आया था ना आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला, आएगा अगले चैप्टर में आके, सेक्शन 3 में सीनियर स्टाफ, 4 में जूनियर स्टाफ, 5 और 6 के अंदर पावर एक्सचेंज की बात करते हैं। कॉमन पोर्टल, कॉमन पोर्टल मींस द कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल रेफर, ठीक है, वही GST अपना। कॉमन वर्किंग डेज, जहां छुट्टी ना हो वो कॉमन वर्किंग डेज में आएगा, स्टेट के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। कंपनी सेक्रेटरी CS, ठीक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिसको जो काम असाइन किया गया है उसके लिए वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई संदीप, इसका जिक्र हम करके चलते हैं अपने कहाँ पर, इसकी चर्चा माय डियर कंपोजिट सप्लाई की आपसे करी जाती है, बॉक्स नंबर 2 पार्ट नंबर D। दो तरह की सप्लाईज की बात करें, बंडलिंग, जहाँ बंडल ऑफ सर्विस ऑफर किया जाता है, तो ये बंडल दो प्रकार का हो सकता है, नेचुरल या आर्टिफिशियल। जो नेचुरल बंडल होगा उसे कंपोजिट सप्लाई के नाम से जानते हैं, और अगर आर्टिफिशियल बंडल है तो उसे माय डियर हम मिक्स सप्लाई के नाम से जानते हैं।
कंपोजिट है, नेचुरल है, तो सॉल्यूशन भी नेचुरल आएगा। इसमें जौन सा भी सप्लाई गुड्स की या सर्विस की जो भी है, जौन सी भी प्रिंसिपल सप्लाई है, मान लो ये प्रिंसिपल है, मुख्य सप्लाई ये है, तो पूरे बंडल को इसी के नाम से जाना जाएगा, पूरे बंडल को इसी मुख्य सप्लाई के नाम से जाना जाएगा। इसकी पूरी लिंकेज अकॉर्डिंगली कराई जाएगी। जैसे कि स्टैचुटरी अपडेट्स के अंदर मैंने आपको बता रखा है प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं कंटेंट सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूँ प्रिंटर को और वहाँ से वो किताबें छप के आ रही हैं, तो उसमें वो पेपर भी लगा रहा है, पेस्टिंग भी कर रहा है, बाइंडिंग भी कर रहा है, सारे काम कर रहा है, तो उसमें मुख्य घटना क्या है? पेपर मुख्य है या प्रिंटिंग मुख्य है? मैंने उसे किस चीज़ का भाव लिया था? मेरा कॉन्टैक्ट किस चीज़ का था? क्या मैंने पेपर का भाव लिया था? नहीं, मैंने भाव लिया था प्रिंटिंग का। इसलिए उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं किताब छापने में, देखो छापने में अभी भी छाप नहीं आ रहा, प्रिंटिंग मुख्य है, पेपर उतना मुख्य नहीं इतना प्रिंटिंग मुख्य है, बाकी सारी उसकी इंसिडेंटल एंसिलरी चीज़ें हैं माय डियर। तो प्रिंटिंग के अंदर उसको हम क्लासिफाई करके चलेंगे, होल अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज सर्विस और उस पर हम GST की बात करके चलेंगे। अगर आर्टिफिशियल बंडल है, जैसे कि दिवाली पर मिठाई के जो मिठाई का या बिस्किट्स, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब बनते हैं आपके माय डियर, तो वो मिक्स टोकरी बनती है, वो मिक्स सप्लाई होती है। मिक्स सप्लाई के अंदर यानी आर्टिफिशियल सप्लाई यानी कि सॉल्यूशन भी आर्टिफिशियल रखा जाएगा, तो गवर्नमेंट देखेगी कि इसमें कौन से वाले आर्टिकल को मानने से उन्हें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, उसी के अंदर से क्लासिफाई कर दिया जाएगा, तो वो बन जाएगी आपकी मिक्स सप्लाई। ठीक है, तो कंपोजिट यहाँ पढ़ के चल रहे हैं, नेचुरल बंडल होना चाहिए और मींस ए सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू ए रेसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस। गुड्स गुड्स हों, सर्विस सर्विस हों, सर्विस गुड्स हों, कैसे भी हों, बंडलिंग थी और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ विच आर नेचुरली बंडल्ड, मुख्य बात, एंड सप्लाई इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन सो एंड सो माय डियर। ये तो होगी डेफिनेशन। जब मैं सेक्शन नंबर 8 में जाऊंगा तो वहां पर जाकर बोलेगा कि इसके अंदर जौन सी आपकी प्रिंसिपल सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई में ही पूरे बंडल को क्लासिफाई कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल यहां दे रखा है। आगे मिक्स सप्लाई मैंने आपको बता दिया, कहो तो अभी पढ़ लेते हैं मिक्स सप्लाई को माय डियर। मिक्स सप्लाई इरा, मिक्स सप्लाई यहां पर आकर 74 नंबर पे, मिक्स सप्लाई मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाइज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजंक्शन विद सो एंड सो, वो लगभग सेम ही है। फॉर ए सिंगल प्राइस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट, जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, मतलब ऐसे उल्टा सीधा जोड़ रखा उनको, और एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था वो यहाँ पर आपको दे रखा है। सेक्शन 8 इसका आगे ट्रीटमेंट बताता है कि इनमें से जौन सी भी सप्लाई का सबसे ज़्यादा रेट होगा टैक्स का, उसी के अंदर इस पूरे बंडल को क्लासीफाई कर दिया जाएगा। कंसीडरेशन इस शब्द की हमें जरूरत कहां पड़ती है? जब हम सप्लाई बॉक्स नंबर 2 अपना पढ़ के चलते हैं माय डियर, तो वहां पर वो बोलता है कि बार्टर हो, सेल हो, एक्सचेंज हो, वगैरह वगैरह हो, तो वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, वहां पर इसकी हमें जरूरत पड़ती है, मालिक वहां पर जरूरत पड़ती है हमें इसकी, कंसिडरेशन की। तो कंसिडरेशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न, जो भी बदले में आया वो कंसिडरेशन है, मॉनिटरी हो, नॉन मॉनिटरी हो, जैसा मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ विशेष बातें, सब्सिडी क्या कंसीडरेशन का पार्ट है? लिंक इट विद बॉक्स नंबर 6 ओटिस आईडी। सब्सिडी जो होती है गवर्नमेंट सब्सिडी वैल्यू का पार्ट नहीं बनती है, अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी वैल्यू का पार्ट बनती है, तो अकॉर्डिंगली कंसीडरेशन की परिभाषा में वही लिखा हुआ है। उसके बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो अमानत होती है नॉट एज ए कंसीडरेशन। हाँ, जब सिक्योरिटी डिपॉजिट लाइक टेलीफोन वगैरह का है, जब आपके कंसीडरेशन यानी कि जो चार्जेस हैं उनके प्रति एडजस्ट होगा, तो एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट वो कंसीडरेशन का रूप वहां पर ले लेगी, लेकिन जब तक डिपॉजिट डिपॉजिट है वो माय डियर आपका कंसीडरेशन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये बातें आपकी हमने यहाँ पर रखी हुई हैं और इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो आपके लिए प्रॉपरली मैंने डिफाइन भी कर रखा है। पैसे वो कैसी भी हो, समथिंग रिटर्न, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, डिपॉजिट के बारे में, सब्सिडी के बारे में बोल रखा है यहाँ पर और किस प्रकार से रखा जाएगा। साथ में रेसिपिएंट को भी यहाँ पर देखेंगे अपनी बुक में, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, अपनी बुक में देखें, रेसिपिएंट से आता है कंसीडरेशन। रेसिपिएंट आदमी कौन होता है? जो कंसीडरेशन देने के लिए लाइबल होता है, जैसे GTA के अंदर होता है, GTA में कंसाइनर भी दे सकता है, रेसिपिएंट भी दे सकता है GTA वाले को, तो जोन सा भी माइडर कंसीडरेशन देगा उसे हम बोल के चलते हैं रेसिपिएंट। ठीक है, उसे हम रेसिपिएंट की कैटेगरी में रख के चलते हैं। और अगर आप कहोगे सप्लाई तो वहाँ भी हो सकती है जहाँ पर कंसीडरेशन ही ना हो, तो वहाँ रेसिपिएंट किससे बोलोगे?
अगर सप्लाई में एफओसी सप्लाई है आपकी, फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई अगर आपकी हो रही है, कंसीडरेशन है ही नहीं, तो जिस व्यक्ति को गुड्स की डिलीवरी दी है या जिस व्यक्ति को सर्विसेज की सप्लाई आपने की है, जो रिसिप है, उसको यहाँ पर रेसिपिएंट के रूप में रखे चलते हैं माय डियर, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। रेसिपिएंट शब्द महत्वपूर्ण क्यों है? गेट नंबर 3 पर जब डेस्टिनेशन निकालते हैं हम, तो रेसिपिएंट की लोकेशन बड़ी रिलेवेंट होती है, इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि रेसिपिएंट आदमी होता कौन है। इवन कंसीडरेशन की डेफिनेशन के समय भी हम रेसिपिएंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि रेसिपिएंट किसको कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आगे बात करते हैं, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स माय डियर, इसकी जरूरत आपको कब पड़ती है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की जरूरत आपको कब पड़ती है? जब आप पढ़ रहे होते हो बॉक्स नंबर 8 टाइम ऑफ सप्लाई, वहां पर चलकर जब हम एक रेगुलर सप्लाई करके चलते हैं, मैंने आपको सीमेंट बैग का, प्लास्टिक ग्रेनुअल्स का कई सारे एग्जांपल्स मैंने आपको वहां पर दे रखे थे। तो जब हम एक रेगुलर किसी से सप्लाई लेते हैं, सीमेंट सप्लाई ली जा रही है, तो वहां पर रोज रोज हिसाब नहीं होते मैडम, रोज रोज पेमेंट नहीं किए जाते हैं। तो वहां पर बंदा मंथली या 15 दिन पर या व्हाटएवर जो भी, मान लीजिए मंथली है, वो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जितना भी सीमेंट सप्लाई किया या जितना भी मटेरियल आपको सप्लाई किया, उसका स्टेटमेंट मान लो 2 फरवरी को बनाकर दे रहा है। तो जिस दिन वो 2 फरवरी को स्टेटमेंट बनाकर दे रहा होता है, उसी डेट पर आप इनवॉइस की रिक्वायरमेंट आएगी और वही डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई के लिए भी कंसिडर कर ली जाती है। अकॉर्डिंगली आप GST का पेमेंट करके चलते हैं माय डियर। तो यहाँ पर बोलता है कि रेगुलर नेचर की सप्लाई जो होती है उसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। एग्जाम्पल कद्दू का दिया था मैंने आपको कि जहाँ लगातार सप्लाई हो रही है, जैसे कद्दू होता है, अब बाजार से कैसे लेके आओगे बड़ा सा कद्दू है, तो छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और प्रत्येक टुकड़े को एक इंडिपेंडेंट कद्दू मानते हुए, टुकड़ा मानते हुए आप माय डियर उसे डील करके चलते हैं, उसे लेकर आ जाते हैं। ऐसी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस आपकी हो सकती है, इसकी जरूरत भी आपको टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर ही पड़ती है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए 2 बातें जरूरी हैं, एक आपका एग्रीमेंट होना चाहिए डेफर्ड पेमेंट के लिए, एंड वो कंटिन्यूसली आपको प्रोवाइड होनी चाहिए। सर्विस लेंदी है, कंटिन्यूसली है, 3 महीने से ज़्यादा उसकी उम्र है माय डियर, मान लेते हैं 3 महीने ज़्यादा उम्र हो है सर्विस की, और डेफर्ड पेमेंट का प्लान हो। अगर डेफर्ड पेमेंट प्लान नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बैच दे रहा हूँ, 4 महीने का समय लग गया मान लीजिए, फी सारी एडवांस में आ गई, क्या ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है? द आंसर इज नो, इट्स नॉट ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। कन्वेंस की बात करते हैं, कन्वेंस इंक्लूड्स हाँ वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल वगैरह सब कुछ इसके अंदर, कन्वेंस के अंदर आपका आ जाता है, कोई बात नहीं। कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, काउंसिल 279 कैपिटल है, संदीप, क्रेडिट नोट और आपका डेबिट नोट, इसके बारे में तो आप पूरा ऐसे लिख दोगे माय डियर। डेबिट नोट इक्वल टू अ सप्लीमेंट्री इनवॉइस, और देना है आपको, तो डेबिट नोट कब जाएगा? जब कुछ और इनवॉइस देना होगा, आपने ऑलरेडी वैल्यू कम चार्ज कर रखी है या टैक्स का रेट कम लगा रखा था या कुछ भी है, तो आप और उसको सप्लाई करोगे, सप्लीमेंट दोगे, जैसे दूध में हॉर्लिक्स, ऐसे डेबिट नोट डालकर आप देके चलोगे। आपने डेबिट नोट दिया, इससे आप अगले वाले GSTR 1 के अंदर दिखाओगे, आपकी आउटपुट लाइबिलिटी बढ़ेगी, सामने वाले को चीज़ GST R2A में दिखाई देगी, उसके दम पर वो अपनी किताबों में एडिशनल ITC बुक कर लेगा। इसके अपोजिट आता है आपका क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मतलब कि आपने ओवर इन्वॉइसिंग कर दी है, वैल्यू ज़्यादा चार्ज कर ली है, आपने टैक्स रेट ज़्यादा चार्ज कर रखा था, माल कुछ लौट के आ गया है, लौट के आ गया मतलब इन्वॉइस तो बराबर है, पूरा पूरा सप्लाई का 100 का मान लीजिए 20 लौट के आ गई, तो एक प्रकार से ओवर इन्वॉइसिंग दिख गई है, तो यहाँ पर भी आप क्रेडिट नोट दे सकते हैं उतने अमाउंट के लिए। क्रेडिट नोट से आपकी जो आउटपुट लाइबिलिटी है वो घट जाएगी और सामने वाले का ITC कॉरस्पॉन्डिंगली घटा दिया जाएगा, ठीक है ना जी। और दूसरी बात, जब मैं आपको रिटर्न के चैप्टर में लेकर आऊँगा, तो सामने वाले का ITC तब तक नहीं घटाया जाएगा जब तक कि आप अपनी आउटपुट लाइबिलिटी को कम नहीं कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलो, और या ऐसे बोलूँ, बात कैसे बोलेंगे कि उसका ITC तब घटाया जाएगा, बात को मैं दूसरे एंगल से बोलना चाहिए था, उसका ITC तब घटाया जाएगा जब आप अपनी आउटपुट लाइबिलिटी घटा देंगे। अगर आपने अपनी आउटपुट लाइबिलिटी नहीं घटाई है तो उसका नहीं, क्रेडिट नोट से आपकी आउटपुट लाइबिलिटी घटेगी, उसका ITC घटेगा, ठीक है। तो हाँ, तो आपकी आउटपुट लाइबिलिटी, अब मैं ठीक से बोलूँगा, फाइनल कंक्लूजन, आपकी जो लाइबिलिटी है वो तब तक
नहीं यार देखो सुनो, यहाँ ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट हो गया, यहाँ आपकी आउटपुट लायबिलिटी घटनी है क्रेडिट नोट से, और वहाँ उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ITC घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये चीज़ तब तक कन्फर्म नहीं होगी, ये है फाइनल, आपकी ये चीज़ तब तक कन्फर्म नहीं होगी जब तक कि वो अपना ITC ना घटा दे। उसने ITC घटा दिया तो गवर्नमेंट आपका आउटपुट यहाँ पर घटा देगी, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ये हो गया आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। और सेक्शन नंबर जब हम पढ़ते हैं इनवॉइस का चैप्टर मॉड्यूल नंबर 3 आपका, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है माय डियर कि डेबिट नोट सेक्शन 34 के अंदर आप देख सकते हैं। क्रेडिट नोट क्या है, मींस डॉक्यूमेंट इशूड रेफर्ड इन सेक्शन सो एंड सो, और डेबिट नोट मतलब सेक्शन 34 का रेफरेंस यहाँ पर दे रखा है। डिटेल डिस्कशन इसका वहीं पर जाके किया जाएगा। डीम्ड एक्सपोर्ट सेक्शन 147 को रेफरेंस दे रखा है। डीम्ड एक्सपोर्ट में आप क्या जाते हैं, SEZ को सप्लाई करना, है ना, आपके जो एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम वाले हैं उनको सप्लाई करना, EPCG वालों को सप्लाई करके चलना, ये मतलब गुड्स इंडिया के बाहर नहीं गया लेकिन इंडिया के अंदर ही है, उसे डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब जीरो रेटेड, और जीरो रेटेड होते ही सेक्शन नंबर से 16 पकड़ ले जाता है, जिसमें आपको तमाम प्रकार के एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिए जाते हैं। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, पूरे GST में से कहीं कोई रेफरेंस नहीं आता, पता नहीं डेफिनेशन दे क्यों रखी है। डॉक्यूमेंट मैनुअली हो इलेक्ट्रॉनिकली हो। ड्रॉबैक, जो भी आपको इंडिया जब सेक्शन 16 हम पढ़ के चलते हैं माइडियर, तो वहाँ बोलते हैं कि आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिए जाते हैं, और एक्सपोर्ट इंसेंटिव के अंदर एक ड्यूटी ड्रॉबैक आता है, जो भी आपने रॉ मटेरियल वगैरह में सब लगाया है, आप पढ़ते हैं कस्टम के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग करके आपने आगे भेजा है, तो आपने इम्पोर्ट ड्यूटी भरी हुई हो, या आपने यहाँ पर कोई भी एक्साइज ड्यूटी भरी है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी आज भी जिंदा है, तो इन सब के लिए आपको दिया जाता है यहाँ पर एक प्रेस्क्राइब रेट से परसेंटेज से ड्यूटी ड्रॉबैक आपको दिया जाता है, तो ये उसकी बात करके चलता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और आपके ई लायबिलिटी रजिस्टर, तीन आपके मुख्य रूप से आते हैं, तो हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं माय डियर, बातें कर सकते हैं इसके लिए हम। चलिए तो यहां के लिए आपका ये आ गया ई कैश लेजर। अच्छा बताना जरूर वीडियो लगा कैसा मुझे, आपके फीडबैक, आपका सजेशन, आपका प्यार मोहब्बत मुझे सब चाहिए यहाँ पे, ध्यान रखना। ई कैश लेजर, और जैसे मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट है ये, और ये हो गया आपका यहाँ पर ई क्रेडिट लेजर आपका ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपका ई लायबिलिटी रजिस्टर। ये ध्यान दीजिएगा, ये सारा हिसाब किताब मतलब बैलेंस शीट टाइप, मतलब मैंने अज्यूम किया कि दो एसेट लेजर हैं, ये आपका लायबिलिटी लेजर है, वैसे बैलेंस शीट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये आपका जो GSTN है वहाँ पर अपडेट किया जा रहा है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन आपका होता है, आपके GSTN से लिंक करते हुए, ये आपके GSTN से लिंक करते हुए पोर्टल पर तीन लेजर आपके लिए खोल दिए जाते हैं। आप अपनी दुकान में, अपने शोरूम में, अपने व्यवसाय में, यहाँ तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर ही रहे हैं, लेकिन इन बुक्स ऑफ अकाउंट की एक ऑनलाइन झलक सरकार भी देखना चाहती है रियल टाइम में। झलक दिखला जा, एक बार आ जा। तो यहाँ पर मुझे बताइए, ये जो आपका ई लायबिलिटी रजिस्टर है, ये कौन से डॉक्यूमेंट से हरा भरा होगा? जैसे ये व्यक्ति अपना यहाँ पर GSTR1 फिलअप करेगा माय डियर, इसकी आउटपुट लायबिलिटी बढ़ेगी और वो चीज़ कहीं ना कहीं इसके यहाँ पर आकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये व्यक्ति अपना जैसे GSTR2 भरेगा तो इसका इम्पैक्ट इसके क्रेडिट लेजर में डाल दिया जाएगा प्रोविजनल बेसिस पर, बाद में मैचिंग मिसमैचिंग वो सब चलता रहता है। यहाँ पर डाल दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपकी आउटपुट लायबिलिटी बन रही थी यहाँ पर, लेट सपोज 10,000 रुपीज़ की, ITC आपका 6,000 रुपये का है, आपको पता है आपको 4,000 रुपये और बैंक में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ऑथराइज्ड बैंक पीछे पड़ा था, ऑथराइज्ड बैंक में आप 4,000 रुपये जमा कर दीजिए। नेट बैंकिंग का जमाना है लेकिन ओवर द काउंटर भी पेमेंट कर सकते हैं, अगर पेमेंट 10,000 तक की है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिपॉजिट करेंगे यहाँ पर जाकर माय डियर, जैसे आप डिपॉजिट करेंगे ये यहाँ पर हरियाली आ जाएगी, तो डिपॉजिट कर दिया आपने 4,000 आपके यहाँ पर अपडेट ये करा दिया जाएगा। जिस दिन आपका अगर मान लो ओवर द काउंटर पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया है, तो जिस दिन वो चेक क्रेडिट हो जाएगा
उस दिन आपका ये ई कैश लेजर में पैसा पहुंच जाएगा और उस दिन सरकार के द्वारा रिसीव्ड ये पैसा माना जाएगा। ठीक, जब आप इसका पेमेंट करेंगे तो इससे क्या हुआ, ये प्लस प्लस हो गए माय डियर, इनमें भर दिया आपने, इधर क्रेडिट भर गया, इधर ये भर गया, उधर लायबिलिटी भर गई। अब इस लायबिलिटी का पे ऑफ करने के लिए आपको दो चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं, कैश लेजर और क्रेडिट लेजर। तो आप अपने एंट्री पास करेंगे, कैसे पास करेंगे, वही अपना GSTR3 भरेंगे आप उसमें दिखाएंगे ये मेरी लायबिलिटी, ये मेरी एसेट है। GSTR3 क्या है, 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका GSTR3 माय डियर, जहां पर आप एडजस्टमेंट करके दिखाएंगे। तो यहां से आपके 10,000 की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, यहां से आपका -4,000 कैश खत्म हो जाएगा और यहां से आपका 6,000 का क्रेडिट खत्म कर दिया जाएगा। तो जो आपके GSTR 1, 2, 3 हैं, इनसे ही आपके ऑपरेट हो रहे हैं ये माय डियर। और जो भी आप चालान के जरिए इस ई कैश लेजर में जो भी पैसा डालेंगे अपना, चाहे वो इंटरेस्ट के नाम का, टैक्स के नाम का, पेनल्टी के नाम का, किसी के नाम का, वो करस्पॉन्डिंग हेड में जाकर आपका पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। पढ़ें, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मींस द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रेफर टू इन सेक्शन 49(1) मैनर ऑफ पेमेंट के अंदर ये सेक्शन आपका दे रखा है, जहां पर हम क्रेडिट यूटिलाइजेशन की बात भी पढ़ के चलते हैं। क्या है, एवरी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी एटसेट्रा ऑन अदर बाई अ पर्सन, कैश लेजर है, कैश लेजर बाई इंटरनेट बैंकिंग और बाई यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS वगैरह, जैसे भी मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है, शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू बी मेंटेन एज द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। और जिस दिन आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा खाते में, उस दिन माना जाएगा कि हाँ आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया है। ई कॉमर्स, उबर, ओला वगैरह, ये सब आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये बात हो गई हमारी। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो 49(2) में दे रखा है, ये क्या है, द इन ITC एज सेल्फ असेस्ड इन रिटर्न GSTR2 ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 41। पहले प्रोविजनल बेस पे जाता है, उसके बाद मैचिंग और मिसमैचिंग इसकी कराई जाती है माय डियर। एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ाते समय, एग्जेम्प्ट के 3 हिस्से होते हैं साहब। कौन कौन से 3 हिस्से होते हैं उसमें, निल रेटेड 100% एग्जम्पशन, और आपकी यहाँ पर होती है नॉन टैक्सेबल, वही आपका यहाँ लिखा हुआ है। एग्जेम्प्ट सप्लाई मीन्स एनी गुड्स और सर्विस और बोथ विच एक्सेप्ट निल रेट ऑफ ड्यूटी, होली एग्जम्पशन एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एग्जिस्टिंग लॉ मतलब पुराना लॉ आपका, फैमिली ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, माता पिता आ गए, ग्रैंड पेरेंट आ गए, भाई बहन आ गए जो डिपेंडेंट हैं। फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट मतलब स्थायी ठिकाना या ब्रांच ऑफिस के नाम से भी जान सकते हैं। मैंने अपनी ही कंपनी आभास इंफ्राकॉन का एक एग्जांपल आपको दिया था, वहां पर जोधपुर का एग्जाम्पल दिया था कि जोधपुर के लिए 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है पंप हाउस बनाने के लिए। वहां पर करीब 50 लेबर के व्यक्ति भी हैं, पूरी मशीनरी भी उपलब्ध है और छोटा सा वहां पर एक साइट ऑफिस भी बना रखा है। क्या उस जगह को फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट कहा जा सकता है कि नहीं, पढ़कर बताइएगा। फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट मींस अ प्लेस विच इज करेक्टराइज्ड बाय सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस, एंड जी हाँ, सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। सूटेबल स्ट्रक्चर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन, जी हाँ लेबर भी है वहाँ पे, टेक्निकल रिसोर्सेज मल्टीपल मशीनरीज भी वहाँ पर अवेलेबल हैं टू सप्लाई सर्विसेज। तो यानी कि जो प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरा यहाँ इसकी डेफिनेशन में आ जाता है। फंड, फंड मतलब कंज्यूमर वेलफेयर फंड अंडर सेक्शन 57 रिफंड चैप्टर के अंदर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ इसको बताया जाता है कि जब कोई, जब एंड यूज़र की तरफ जो अनरजिस्टर्ड आदमी है उसकी तरफ माइडर जब बर्डन चला जाता है तो उसका पैसा इसी कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर जाता है। फीडबैक जरूर देना आप मुझे जब मैं उसमें यूट्यूब पर शेयर करूंगा वीडियो को, तो वहीं यूट्यूब पर नीचे आप मुझे बताइएगा जरूर माय डियर कि आपको बातें समझ में आई या नहीं आई। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप मुझे बताइए जरूर, मोस्ट वेलकम। ठीक है, जो भी अच्छा बुरा जैसा लगे बताना जरूर, ठीक है, क्योंकि इससे ना हमें बहुत एनर्जी मिलती है बाबू जी। गुड्स की डेफिनेशन, तो गुड्स की डेफिनेशन वही अपना वही गेट नंबर 1 पर इसकी आवश्यकता पड़ती है, मनी और सिक्योरिटी, ना गुड्स तो है ही नहीं, कोई भी मूवेबल चीज़ गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगी। खड़े पेड़, पड़े पड़े पेड़ और एक्शनेबल क्लेम, ये सब आपके गुड्स की परिभाषा के अंदर आ जाते हैं, पढ़कर देख लीजिए। मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, लेकिन एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, पड़ी घास, वास, फूस, ये सब आपके यहाँ पर बन जाते हैं गुड्स। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट मीन्स CGST Act की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट।
कंपनसेशन सेस एक्ट वही 2017 वाला। जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन है जो जीएसटी में प्रैक्टिस कर सकता है, सेक्शन 48 में इसको डिफाइन भी किया गया है, हम बात कर लेंगे जब चैप्टर में पहुंचेंगे वहां पर जाकर। वैसे ग्रेजुएट व्यक्ति की इसमें कम से कम हमें नीड होती है ग्रेजुएशन की, ठीक है जी। हम रिटर्न वाले चैप्टर में जो हमारा सेक्शन है आखिरी वाला, वहां देखते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर, ठीक है ना जी। ओके सर जी, इंडिया, इंडिया का मतलब वही अपना, मेरा भारत देश महान, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, हमारा भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, उसको शामिल करते हुए इंडिया है। लैंड पार्ट ऑफ ये हो गया, 12 नॉटिकल माइल तक का पानी हो गया। उसके बाद ये ईईजेड ऑयल रिग्स पर्पस के लिए ईईजेड वाला एरिया, यहाँ पर ये डेजिग्नेटेड एरिया हो गया अपना, इसके ऊपर का ये आसमान हो गया, ये सब अपना इंडिया की परिभाषा में आ जाता है। मैं पूछता हूँ स्पेस, जो दूसरा गोला है सर, उसकी बात क्यों कर रहे हो, क्यों क्यों नहीं कर सकता मैं वहाँ पे जाके, वो जाते हैं ना अपने वो सेटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, वो जो स्पेस है आपका, स्पेस अंतरिक्ष, क्या वो भी इंडिया का पार्ट है? नहीं, वो इंडिया का पार्ट नहीं है माय डियर, वो प्लेस कहा जाएगा आउटसाइड इंडिया, वो तो गोला ही दूसरा हो गया। हम तो अपने गोले पर ये इंडिया है ये इंडिया नहीं है, वो तो गोला ही दूसरा हो गया, तो वो आउटसाइड इंडिया में काउंट किया जाता है। आईजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी इनपुट का मीनिंग बता चुका, मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाई अ सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। सबसे कीमती वर्ड है बिजनेस, और जो कैपिटल गुड्स नहीं है, बिजनेस पर्पज के लिए खरीदा है आपने, वो आपका यहाँ पर बन जाएगा। इनपुट सर्विस क्या है? कोई भी सर्विस हो जो बिजनेस पर्पज के लिए है, मैं फेशियल मसाज करवा के आऊँ, वो मेरी पर्सनल सर्विस है, उसके यहाँ से कोई ताल्लुकात नहीं है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसका जिक्र किया जाता है जब ITC का चैप्टर बॉक्स नंबर 9 पर पढ़ते हैं, सेक्शन 20 और 21 इसी के लिए समर्पित हैं। ISD क्या है? एक प्रकार का हेड ऑफिस है जो अपने कन्वर्टर, इसका नाम था कन्वर्टर, जो अपने थर्ड पार्टी से अपने बच्चों के लिए, अपने यूनिट्स के लिए जो सर्विसेज लेता है, उसकी बिलिंग थर्ड पार्टी उस HO या हेड ऑफिस को कर देती है। वो HO या हेड ऑफिस फिर अपनी तरफ से बिलिंग करता है क्रेडिट को पास ऑन करने के लिए अपने बच्चों को, माय डियर। और यही सारी बातों का तारा बाना बुन रखा है सेक्शन नंबर 20 और 21 ITC वाले टॉपिक के अंदर, तो वहाँ देख लेंगे। तो यानी कि ये रहा यहाँ HO आपका, ये थर्ड पार्टी है, तो यहाँ इसके बच्चे हैं ABCD मान लो, तो यहाँ से बिलिंग यहाँ हो जाती है, सर्विस यहाँ पर दे दी जाती है। तो ये वो है ISD आपका जो यहाँ से बिल लेता है और यहाँ आगे बिल देता है, बिल के बदले में बिल दे, तू सौदा हमसे कर ले, उसे बोलेंगे ISD। ISD मीन्स एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच रिसीव्स टैक्स इनवॉइसेस इश्यूड अंडर सेक्शन 31, हाँ जो रिसीव कर रहा है यहाँ पर आकर, टुवर्ड द रिसीट ऑफ इनपुट सर्विसेज एंड इशू, और यहाँ से इशू कर रहा है प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट, चलान वगैरह नाम कुछ भी दे सकते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग क्रेडिट ऑफ CGST, SGST, IGST, UTGST जो भी है, उसके लिए यहाँ पर चलान ये दे रहा है माय डियर। और ये तमाम यूनिट इसी के परमानेंट अकाउंट नंबर के अंदर आती है, इनका पैन सबका एक होता है, सबका मालिक एक है, जैसा ही, ठीक। सेक्शन नंबर 20 और 21 के अंदर इसका डिटेल में व्याख्यान किया गया है। इनपुट टैक्स क्या है? इनपुट टैक्स की जरूरत हमें पड़ती है क्योंकि इनपुट टैक्स से ही बनता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर इनपुट टैक्स क्या है। देखिए माय डियर, बात ऐसी है कि यहाँ पर सबसे पहले अगर ये मेरा ये बिजनेस है, तो यहाँ पर निकल के आती सबसे पहली चीज इनवार्ड सप्लाई। इनवार्ड सप्लाई में से निकलता है आपका इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स में से निकलता है आपका ITC, और ITC का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ आती है आपकी आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई में निकलता है आपका आउटपुट टैक्स, और आउटपुट टैक्स का पेमेंट करने के लिए आप इस ITC का इस्तेमाल कर पाते हो। तो इस समय आपसे पूछा जा रहा है कि इनपुट टैक्स क्या है, तो इनपुट टैक्स वो है जो भी आपकी इनवर्ड सप्लाई है। इनवर्ड सप्लाई अगर NCM है तो बिल में लग के आ रहा होगा, RCM की सप्लाई है तो आपको भरना पड़ेगा। जी हाँ, RCM के अंदर जो भर रहे हैं वो माय डियर आपका इनपुट टैक्स ही होता है। तो NCM वाला हो या RCM वाला हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपका इनपुट टैक्स ही होता है, और उसका आपको ITC मिलता है। तो RCM के अंदर जो टैक्स भरा उसका आपको ITC मिलता है, क्योंकि वो आपका इनपुट टैक्स है ना कि आउटपुट टैक्स। और फिर उस इवन RCM के अंदर पे किए हुए
आप टैक्स का क्रेडिट लेकर अपनी आउटवर्ड सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे माय डियर। जी हाँ, एक और आएगा जो IGST आप भर देते हैं ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर। ये बात अलग से लिखनी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पर IGST लग रहा है, इसे आप ना तो NCM में बुला सकते हो ना RCM में बुला सकते हो, क्योंकि ये कस्टम लॉ के हैंडओवर कर दिया जाता है, इसलिए इस पर NCM RCM जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। बट व्हाट अबाउट इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है तो उसे यहाँ RCM में कैप्चर किया जाता है, क्योंकि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कस्टम डिपार्टमेंट के हवाले नहीं है, कस्टम डिपार्टमेंट के हवाले सिर्फ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एक आ गया इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और इसमें यहाँ से यहाँ तक RCM की बात कर रहा है। तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स में जो पे किया IGST वो आपका इनपुट टैक्स है, RCM में जो भी आया वो इनपुट टैक्स है, और डेफिनेशन इंक्लूसिव है। इसका मतलब ये हो गया कि NCM वाला तो है ही है जो NCM में बिल में लग के आ रहा है, साथ में ये भी आपके इनपुट टैक्स ही हैं जो RCM में है और जो IGST ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है। लेकिन कंपोजिशन लेवी के अंदर, इसमें तो हम जानते हैं माय डियर, ना तो आप क्रेडिट ले सकते हैं, ना सामने ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना खुद को क्रेडिट मिलेगा ना सामने वाले को लेने देंगे। तो उसमें जो आपकी जेब से 1%, 2%, 5% जो भी जा रहा है वो इनपुट टैक्स की परिभाषा से बाहर है, इसी कारण से सामने वाले व्यक्ति को इसका ITC अवेलेबल नहीं होता है। ठीक, ITC इनपुट टैक्स से बना ITC। इंटरस्टेट सप्लाई क्या है, डिटेल डिस्कशन बॉक्स नंबर 3 के अंदर होता है, बता रखा भाई साहब सेक्शन 8 के अंदर जो बता रखा है, जहां पर सेम स्टेट के अंदर जब सप्लाई हो रही है आपकी तो उसे हम यहां पर बोल के चलते हैं इंट्रा सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस वही सेक्शन नंबर 8 के अंदर बताया जाता है, सेम स्टेट के अंदर है या सेम UT के अंदर है तो हम उसको ऐसे करके चलते हैं माय डियर। ठीक है जी, आगे चर्चा में आ रहे हैं इनवॉइस क्या है, सेक्शन 31 में जाकर देख लीजिए, इनवॉइसिंग का चैप्टर मॉड्यूल नंबर 3। इनवर्ड सप्लाई देख चुके थे, परचेज करके लाए हो, एक्विजिशन हो या किसी भी और तरीके से आए हो, कंसीडरेशन देकर आए हो या बिना कंसीडरेशन देकर, इनवर्ड सप्लाई में आएगा। आगे है जॉब वर्क, क्या जानते हैं जॉब वर्क के बारे में? हम अपना काम जब दूसरे से करवाते हैं, माल हमने जॉब वर्कर को भेजा, जब भेजा तो सप्लाई नहीं, लौट के आया तो सप्लाई नहीं, वहाँ पर जो एक्टिविटी हुई उस एक्टिविटी के अंदर उसने हो सकता है कुछ गुड्स भी अपनी तरफ से डाला हो, इस पर क्लेरिफिकेशन है आपके बॉक्स नंबर 2 पार्ट नंबर बी के अंदर कि उसे सर्विस माना जाएगा और जॉब वर्कर अपनी तरफ से एक एक्टिविटी कर रहा है, वहाँ पर जो माल बनकर तैयार हुआ उसके मालिक आप ही हैं, तो जो जॉब चार्जेस हैं वो सर्विस चार्जेस के रूप में कंसिडर करते हुए उसके ऊपर आपका GST लगाया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक, और अगर आपने अपना कोई माल वगैरह जॉब वर्क खत्म होने के बाद वहीं से बेच दिया तो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में वो पैसा भी शामिल किया जाता है माय डियर। जॉब वर्क मीन्स एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाई ए पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन एंड एक्सप्रेशन जॉब वर्कर, मतलब दूसरे के लिए काम कर रहे हो आप, एंड द एक्सप्रेशन जॉब वर्कर है शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। इसका मतलब ये हो गया कि जो जॉब वर्क कर रहा है उसको जॉब वर्कर के नाम से बुलाया जाएगा। ठीक है, यस सर। आगे बात कर रहे हैं लोकल अथॉरिटी की, ये कौन है, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कंटोनमेंट बोर्ड, जिला परिषद, ये वो सब के सब आपने लोकल अथॉरिटी में शामिल कर लिया गया है। लोकेशन ऑफ रेसिपियंट ऑफ सर्विसेज, गेट नंबर 3 पर इसकी जरूरत पड़ती है हमें, जब हम डेस्टिनेशन निकाल रहे होते हैं तो कई जगह मिलेगा कि डेस्टिनेशन विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपियंट ऑफ सर्विस, दैट मीन हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस या ब्रांच ऑफिस, जो भी दोनों में आपका दिख रहा हो और उसके बाद में कुछ ना दिखाई दे तो फिर आपका वही माय डियर जो रेजिडेंस होता है वो यहाँ पर अपना कंसिडर कर लिया जाएगा, जहाँ पर वो अक्सर यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है। कंपनी के केस में उसका यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस वहाँ होता है जहाँ पर कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है। लोकेशन ऑफ सप्लायर सर्विस, सेम डेफिनेशन माय डियर, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस या ब्रांच ऑफिस विच इज मोर कनेक्टेड, और नहीं तो फिर उसका यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। मैनुफैक्चर, मैनुफैक्चर हालांकि टैक्सेबल इवेंट में से मैनुफैक्चरिंग शब्द खत्म कर दिया गया है, इसलिए एक्साइज लॉ मैनुफैक्चरर, मैनुफैक्चर, इन शब्दों का सिग्निफिकेंस बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पूछी जा रही है मैनुफैक्चर की डेफिनेशन, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी जरूरत पड़ती है बॉक्स नंबर 6 के अंदर माय डियर। कंपोजिशन के जब हम रेट लेके चलते हैं 1%, 2% और 5%, 2% का रेट मैनुफैक्चरर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि हु इज द मैनुफैक्चरर
तो उसकी डेफिनेशन मिलेगी कि जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है वो यहाँ बताया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस का नाम होता है, बट एवरी प्रोसेस डज नॉट अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। गोल्ड, सोना, सोना पीला होता है पर हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस का नाम है, लेकिन हर एक प्रोसेस मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। वो प्रोसेस जिसके बाद रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट है आपका, इसका नाम बदल जाए, यूज़ बदल जाए, की एलिमेंट है यूज़ अगर चेंज हो जाता है तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग मान के चलेंगे, अदरवाइज मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। वो बात आपकी लिखी हुई है। मैन्युफैक्चर मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट्स इन एनी मैनर दैट रिजल्ट्स इन एमरजेंस ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट हैविंग डिस्टिंक्टिव नेम, कैरेक्टर एंड यूज, एंड द टर्म मैन्युफैक्चरर शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, ओके सर। आगे बात कर रहे हैं मार्केट वैल्यू की। मार्केट वैल्यू शैल मीन वही अपना जो ओपन मार्केट प्राइस है, रूल नंबर 6 के जो हमारा बॉक्स नंबर 6 है वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। मिक्स्ड सप्लाई बात कर चुके हैं। मनी क्या है, बॉक्स नंबर 1 पर गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते समय मनी शब्द की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो कि मनी कहते किसे हैं दरअसल, तो मनी कोई भी जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो, जैसे डिमांड ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, प्रमोशनरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, सब आपके मनी के रूप हैं। लेकिन लीगल टेंडर वगैरह सब मनी, यानी कि जो करेंसी नोट्स हैं आपके, चाहे इंडियन हो या फॉरेन हो, सब आपके मनी हैं। क्या मनी नहीं है, आउटडेटेड करेंसी आपकी मनी नहीं है। गोल्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स ये आपके मनी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जो भी चीज़ मनी कहे जाने योग्य अगर ये मनी है तो इट इज़ आउट ऑफ GST रिजीम। मनी का जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उस पर GST नहीं लगाया जाएगा, लेकिन मनी को कन्वर्ट करने पर, जैसे डॉलर लिए, ये लिया, वो लिया, एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू मनी सर्विस में फॉल होंगी। जैसे मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपये के मैंने सिंगापुर डॉलर लिए, कितने आ गए 5 लाख रुपये के, 10,000 डॉलर, मैंने 50 का भाव है अमूमन, 10,000 मैंने सिंगापुर डॉलर माय डियर ले लिए, तो इस 5 लाख रुपये के ऊपर GST नहीं लगेगा। ये डॉलर देने में सामने वाले ने जो कमीशन बनाया अपना, उस कमीशन पर GST लगाया जाएगा। ठीक, आगे है मोटर व्हीकल। इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है ITC के चैप्टर में, तो जो मोटर व्हीकल की मैं डिफाइन दे रखा है, नॉट रेलिवेंट मच मोर। नॉन रेजिडेंट बिल्कुल उसी का भाई है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का, सारी बातें वही हैं। ओकेजनली ट्रांजैक्शन के लिए आता है, स्थाई ठिकाना नहीं है। फ़र्क कितना है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हरियाणा से देसी है, वहाँ से आ रहा था ट्रेड फेयर में, ये विदेशी होता है। वही एडवांस रजिस्ट्रेशन, एडवांस पेमेंट, सारा काम इसका होता है। और साथ में ITC के चैप्टर में दे रखा है कि जब व्यक्ति इस प्रकार से बाहर से आएगा, ये वाला नॉन रेजिडेंट, तो यहाँ पर जो IGST पे करके आया है अपने गुड्स के ऊपर, इसका तो क्रेडिट से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आकर जो लोकल में सप्लाई लेता है उसका ITC नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आपसे ही बात करके चलता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें जब हम एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ रहे होते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर में वर्डिंग्स आती है एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई में 3 बातें आती हैं, निल रेटेड, 100% एग्जेम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल। ये वही नॉन टैक्सेबल है आपका, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो GST के परव्यू से बाहर है, उसके दायरे से बाहर है। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जो इंडिया है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, एंड आउटसाइड इंडिया लोकेशन इक्वल टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। स्पेस, दूसरा गोला, वो आपका नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में काउंट किया जाएगा। नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल गजट में आए, पहले इंडस्ट्री की रिकमेंड जाती है, वहाँ पर रिक्वेस्ट जाती है GST काउंसिल, GST काउंसिल से 75% से अगर वो पास होती है तो फिर ठीक है, वो आएगी फिर पार्लियामेंट, और वहाँ से फिर वो नोटिफिकेशन के जरिए, वो बात नोटिफिकेशन के जरिए जनता को कम्युनिकेट कर दी जाती है। अदर टेरिटरी क्या है, वैसे कहने को आपकी 7 यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन GST के पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ 5 यूनियन टेरिटरी हैं। दिल्ली पांडिचेरी को स्टेट बना दिया जाता है, ये 5 यूनियन टेरिटरी पढ़ी जाती हैं। यहाँ परिभाषा पूछ जा रही अदर टेरिटरी क्या है, तो अदर में कह रहा है इन 5 को छोड़कर बाकी सब अदर टेरिटरी में आएगा। भाई साहब ये 7 थी, 2 को स्टेट बना दिया, 5 को अलग कर लिया, कह रहे बाकी जो बचा वो अदर टेरिटरी है। ये तो वही शोले वाला डायलॉग हो गया, असरानी बोलता है आधे दाएं जाओ, आधे बाएं जाओ, बाकी मेरे पीछे आ जाओ। तो मतलब 7 थी, 2 स्टेट बना दी, 5 को यूटी बोल दिया, अदर बोले बाकी कुछ बचा वो अदर है, तो बचा है क्या। तो ये था बेसिकली आपका डिस्प्यूटेड एरिया, मैंने आपको डिटेल में समझाया था माय डियर कि जहाँ पर सीमा विवाद हो जाता है तो वो एरिया यहाँ पर अदर टेरिटरी में काउंट किया जाएगा। आउटपुट टैक्स,
जो आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे जा रहा है वो आपका आउटपुट टैक्स है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इनवर्ड सप्लाई पर आरसीए में जो टैक्स भर रहे हैं, भर तो आप ही रहे हैं, लेकिन वो आपका आउटवर्ड या आउटपुट टैक्स नहीं, वो आपका इनपुट टैक्स है, और इनपुट टैक्स है तो आप उसका क्रेडिट भी यहां पर ले पाते हैं और उस क्रेडिट को आप आगे चल के इस्तेमाल भी कर पाते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पर्सन व्यक्ति की सारी फॉर्म पर्सन के अंदर आ जाती हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट, एओपी, बीओआई, इनकॉर्पोरेशन, एनी अदर कुछ भी हो, बाद में डाल दिया ट्रस्ट वगैरह, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सब आ गया। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? मतलब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस को पढ़ो, बिजनेस प्लेस मतलब जहां आपका बिजनेस संबंधी एक्टिविटीज हैं, जहां रह रहे हो तो घर है आपका, गोदाम बिजनेस प्लेस है, दुकान बिजनेस प्लेस है, शोरूम बिजनेस प्लेस है, फैक्ट्री बिजनेस प्लेस है, काउंटर सेल काउंटर बिजनेस प्लेस है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो रख रहे हो बिजनेस प्लेस है, जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब आपका बिजनेस प्लेस है, वेयर हाउस, गोडाउन, स्टोर्स है ना, जहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं या एजेंट के थ्रू जहाँ काम हो रहा है, जहाँ जहाँ आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो आपका बिजनेस प्लेस यानी कि प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाएगा। आगे है ये क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, इसके लिए तो सेक्शन नंबर 7 नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स, हाँ जी प्लेस, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई का प्लेस क्या रखा जाएगा, तो हम तो आगे चल के देख लेंगे, आईजीएसटी के सेक्शंस आएंगे, यानी कि डेस्टिनेशन क्या रखा जाएगा, तो इसके लिए हमारे सेक्शन नंबर 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, वो सब अपना बता के चलेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब डेस्टिनेशन, कि सप्लाई कहाँ हुई, उसका डेस्टिनेशन क्या है। प्रेस्क्राइब नॉट रेलिवेंट, प्रिंसिपल जो एजेंट के थ्रू काम करता है, बॉक्स नंबर 2, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच के जो लेन देन है वो सब आपका सप्लाई होता है, भले ही कंसिडरेशन ना हो। प्रिंसिपल बिजनेस प्लेस मतलब हेड ऑफिस, ये तो बहुत सारे बिजनेस प्लेस हैं आपके, लेकिन उन्होंने जो मुख्य है वो आपका प्रिंसिपल कहा जाता है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें वो शो कर रखा होता है कि दिस इज आवर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मीन्स द प्लेस ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट परिभाषा, पता नहीं क्यों लग रही है, अंदर से आवाज आ रही है। प्रिंसिपल सप्लाई बॉक्स नंबर 2 पर आपको इसकी जरूरत पड़ती है। जब आप कंपोजिट सप्लाई की बात करते हैं तो कंपोजिट सप्लाई में जोन सी सप्लाई मुख्य होती है वो वाली सप्लाई में आप माय डियर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी, मींस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच कॉन्स्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट, जैसे कि बुक्स छपवाने में ना पेपर प्रीडोमिनेंट है, ना पेस्टिंग ना बाइंडिंग, वहाँ प्रिंटिंग की जो प्रोसेस है वो प्रीडोमिनेंट है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स माय डियर उसकी एंसिलरी सप्लाई हैं। तो जो मुख्य है प्रिंटिंग, उस प्रिंटिंग के अंदर हम इसे क्लासीफाई करके चलेंगे। प्रॉपर ऑफिसर, जिसको जो काम असाइन किया गया है वो प्रॉपर ऑफिसर में आएगा। क्वार्टर, इसकी जरूरत पड़ती है सेक्शन नंबर 17 के अंदर जाकर, जहाँ पर हम अपना अपोर्शनमेंट करके चलते हैं, और क्वार्टर का मतलब जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने का। वैसे आप क्वार्टर का मतलब पौआ बता रहे थे, शिव 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 शिव। रेसिपिएंट कौन है, परिभाषा हो चुकी है हमारी ऑलरेडी, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी कहीं से भी आ रहा हो, जो पैसे दे रहा है, जो कंसीडरेशन दे रहा है वो रेसिपिएंट, लेकिन जहाँ बिना कंसीडरेशन के बात हो रही है, क्योंकि बिना कंसीडरेशन के भी 4 सिचुएशन में सप्लाई बन सकती है, तो वहाँ पर हमें से माइड, जिसको आपने गुड्स डिलीवर किया है या जिसको आपने सर्विस रेंडर की है, उसको यहाँ पर रेसिपिएंट मान के चलते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, जिसका जिसके पास आरसीए आरसी होल्डर रजिस्टर्ड पर्सन होएगा, लेकिन जिनके पास यूआईएन होता है वो आपके यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आते हैं माय डियर। यूआईएन वो रिफंड पर्पज़ के लिए डब्ल्यूएचओ वगैरह डब्ल्यूटीओ उनके लिए बात थी, इनके लिए प्रोविजन ये है कि इनको यूआईएन के लिए अपना अप्लाई करना होता है, 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन के 3 वर्किंग डेज के अंदर इनको यूआईएन नंबर मिल जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली इनके लिए एक अपडेट आई है कि इनके लिए ये भले ही एप्लीकेशन खुद ना देके चलें एम्बेसी वगैरह, तो इनके लिए जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो रिकमेंडेशन देगा, वो रिक्वेस्ट डाल देगा प्रॉपर ऑफिसर को, और प्रॉपर ऑफिसर 3 डेज के अंदर इनको यूआईएन दे देगा निकाल कर, यानी इन्हें खुद एप्लीकेशन देने की आवश्यकता नहीं है, भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है
वो इनके लिए रिकमेंडेशन डलवा सकती हैं। रिफंड पर्पज़ के लिए इनको आवश्यकता पड़ती है। रेगुलेशन इग्नोर कीजिए। रिमूवल क्या है, इस शब्द की आवश्यकता टाइम ऑफ सप्लाई में पड़ती है, वहीं पर हमें इनवॉइस भी काटना पड़ता है, इनवॉइस के साथ ही बेसिकली इनवॉइस में पड़ती है कि इनवॉइस आपको देना होता है रिमूवल के वक्त, ठीक है। और रिमूवल का मतलब क्या है, रिमूवल का मतलब तो अभिषेक तुम्हें पता है, डिस्पैच करना या कलेक्ट करना, फेंकना या वहाँ पर जाकर रिसीव करना, ये दोनों के दोनों आपके रिमूवल में आ जाते हैं। रिटर्न का मतलब वो GSTR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपका रिवर्स चार्ज का मतलब जहाँ टैक्स का पेमेंट सप्लायर ना करके कोई और कर रहा है, कोई और कौन, यहाँ लिखा है रेसिपिएंट, लेकिन मैंने इस पर अपना बताया था दिस इज डिफेक्टिव माय डियर, यहाँ होना चाहिए था एनी पर्सन अदर देन सप्लायर, इससे दायरा बढ़ जाता है और अकॉर्डिंगली ये शब्द यहाँ आने चाहिए थे, पर इन्होंने सिंपली बोला है कि IGST CGST के अंदर जब सप्लायर की बजाय रेसिपिएंट पेमेंट करता है तो उसे हम रिवर्स चार्ज के नाम से जानते हैं। आगे है रिविजनरी अथॉरिटी, इसकी चर्चा हम अच्छे से कर चुके हैं आपके लिए अपील के चैप्टर में। जब केस बासी हो जाता है तो गवर्नमेंट अपने हितों के लिए उसे रिविजनरी अथॉरिटी के पास में ले जा सकती है, तो वहाँ उसकी संरचना के बारे में बता रखा है सेक्शन 108 अपील का चैप्टर। शेड्यूल माय डियर नो इश्यू। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी क्या है, बॉन्ड डिबेंचर ये वो सब का सब आपका सिक्योरिटीज में आएगा, और सिक्योरिटीज की जरूरत हमें बॉक्स नंबर एक पर आकर पड़ती है, और वहां पर आकर माय डियर हम जानते हैं कि सिक्योरिटी आपकी ना गुड्स है ना सर्विस है, लेकिन एक जगह के लिए सिक्योरिटी की रेलिवेंसी है, बताओ कहाँ, मैं बताऊँ, इंटरमीडियरी की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो जो व्यक्ति गुड्स में डीलिंग कराए या सर्विसेज में डीलिंग कराए या सिक्योरिटी में डीलिंग कराए, वहाँ आता है इसका जिक्र, सिक्योरिटी में डीलिंग कराए उसको भी इंटरमीडियरी के नाम से जानते हैं, और इंटरमीडियरी का बॉक्स नंबर 3 पर जिक्र आता है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंगली सेक्शन 13 के मुताबिक तय किया जाता है कि जहाँ इंटरमीडियरी की लोकेशन है वहाँ पर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सर्विस की परिभाषा अभी मैं आपको बॉक्स नंबर 1 पर एक बार फिर से बताने वाला हूँ। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, लेकिन मनी और सिक्योरिटी को किसी भी कीमत पर शामिल नहीं करेंगे, लेकिन मनी और सिक्योरिटी से संबंधित जो आपकी एक्टिविटीज हैं उनको निश्चित तौर पर हम सर्विस कैटेगरी में रख के चलेंगे। स्टेट का मतलब 29 तो है ही हैं अपने, दो जिनका अपना लेजिस्लेचर है दिल्ली और पौंडिचेरी, कुल मिलाकर 31 हो गए। स्टेट टैक्स मतलब SGST। सप्लायर का मतलब ये हो गया जो भी सप्लाई कर रहा है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड आदमी को भी सप्लायर कैटेगरी में रखा गया है। कारण क्या है, कल को जब आज तो कर 9-4 सेक्शन 9-4 जो आपका है अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड माय डियर ये एक्टिवेटेड नहीं है, ये सरकार ने होल्ड पर डाल रखा है फॉर योर सिलेबस, ऐसे मान के चलेंगे 9-4 है ही नहीं। लेकिन जिस दिन अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर को सप्लाई करेगा तो RCM की बात कर रहे हैं कि भविष्य में इस चीज को मैं अप्लाई करके चलेंगे, तो ये भले ही अनरजिस्टर्ड हो फिर भी इसे सप्लायर कहा जाएगा। सप्लायर इन रिलेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विस और बोथ शैल मीन द पर्सन सप्लाइंग, जो सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विस और बोथ, एंड शैल इंक्लूड एजेंट, एजेंट को भी माना जाएगा जो आपके बिहाफ पर आगे सप्लाई कर रहा है, इन रिलेशन टू द सो एंड सो। या कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि दैट पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर हरेक का बाबू दे रखा है, ये बता रखी मैंने बातें आपको, तो इसके बारे में बोल रखा है कि ये चाहे अनरजिस्टर्ड ही क्यों ना हो यहाँ पर आकर देख सकते हैं, उसके बावजूद भी इसे हम बोलेंगे सप्लायर। 106 नंबर पर आइएगा, टैक्स पीरियड, जिस पीरियड की आपकी रिटर्न फर्निश होती है मंथली क्वार्टरली वो आपका बोला जाता है टैक्स पीरियड, क्योंकि रिटर्न के साथ ही आपका उतने पीरियड का आपका टैक्स भी जमा करना होता है। टैक्सेबल पर्सन गेट नंबर 4 पर पहली ही लाइन लिखी हुई है द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड मतलब लॉफुली रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्टर्ड मतलब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, तो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज मतलब बाल विवाह हो या फिर आपका अदरवाइज हो, दोनों सिचुएशंस में आप टैक्सेबल पर्सन कहलाएंगे। आगे है टैक्सेबल सप्लाई क्या है, टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिस पर टैक्स बनता है वो टैक्सेबल सप्लाई है। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब इंडिया से हो गया। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इसमें आपकी सारी की सारी ईमेल जीमेल टीमेल जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटली काम हो रहा है, चाहे टेलीफोन हो रेडियो हो पेजिंग हो ये हो वो हो
सब का सब आपका यहाँ पर कवर कर लिया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस मीन्स सर्विस ऑफ डिस्क्रिप्टिंग, सेक्शन 14 आएगा आपका IGST एक्ट का, जहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं तो वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ती है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की। 13 के अंदर भी इसका जिक्र किया जाता है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल, वॉइस मेल, डेटा सर्विसेज, ऑडियो, टेक्स्ट सर्विसेज, वीडियो टेक्स्ट सर्विसेज, रेडियो पेजिंग, सेलुलर, मोबाइल फोन, टेलीफोन, विच इज मेड अवेलेबल टू यूज़र बाई मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, इरेक्शन, साइन, सिग्नल, राइटिंग, कैसे भी रिसीव आ रहे हों वो सब आपके यहाँ पर कहे जाएंगे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। टर्नओवर, ये एक्ट का नाम दे दिया, टर्नओवर इन ए स्टेट ISD पर्पज में जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करके चलते हैं तो ये रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, रेशो के लिए देखा जाता है, टर्नओवर इन स्टेट का रेशो लिया जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि माइडर एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्योग्राफिकल बाउंड्री सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट तक सीमित कर दी जाती है। आप चाहे तो रीड करके देख सकते हैं, बाकी जस्ट लाइक एग्रीगेट टर्नओवर। यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस का मतलब क्या है? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर रेसिपिएंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आया था बिजनेस हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस या हेड ऑफिस विच इज मोर कनेक्टेड, और आखिर में था यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो बोलता है कि जहाँ पर वो व्यक्ति आम तौर पर रहता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंस। और अगर कंपनी की बात करते हैं तो जहाँ पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो इसका माना जाएगा यूजुअल प्लेस। आपका यूनियन टेरिटरी से क्या मतलब है? 5 टेरिटरी आपकी आ गई और साथ में आपकी अदर टेरिटरी। अदर टेरिटरी मैंने आपको बोला था ये आपका वो डिस्प्यूटेड एरिया है जहाँ सीमा विवाद आ जाए, उसे हम अदर टेरिटरी मानकर चलेंगे। और उस पर UT GST की बात करी जाएगी, एंड UT GST गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि डिस्प्यूटेड एरिया में वो डिस्प्यूटेड एरिया का रेवेन्यू टू बी पेबल टू सेंट्रल के हिस्से में चला जाएगा। यूनियन टेरिटरी टैक्स हो गया UT GST मतलब, यूनियन टेरिटरी का एक्ट हो गया। वैलिड रिटर्न मतलब जहाँ पर आपने टैक्स, संदीप, जहाँ पर आपने पेमेंट के साथ अपना टैक्स जमा कराया है उसे वैलिड रिटर्न कहा जाएगा। आगे मतलब है वाउचर का। वाउचर क्या है? मींस एक, अच्छा इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब हम अपना टाइम ऑफ सप्लाई माय डियर निकाल रहे होते हैं, जब हम अपना टाइम ऑफ सप्लाई निकाल रहे होते हैं, जब इसका टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पर हाँ जी, वहाँ पर ये देखा जाता है कि वाउचर जो है आपका उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। जिस तरह से फूड कूपन्स वगैरह होते हैं, गुड्स मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, अगर उसमें निहित, उसमें इनबिल्ट जो सप्लाई है वो पहले से पता है कि क्या मिलेगा, गुड्स मिलेगा, सर्विस मिलेगा, कौन सा मिलेगा, तो जिस समय वाउचर इश्यू हुआ उसी समय इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दिया जाता है। दूसरा, अगर ये पहले से पता नहीं है कि इसके एवज में क्या मिलेगा, जब रिडीम होगा तो ही पता लगेगा गुड्स है, सर्विस और है तो कौन सा है, तो हमें टाइम ऑफ सप्लाई के लिए वेट करना पड़ेगा उसके रिडम्पशन तक। माय डियर, वाउचर वैसे है क्या? कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्लिगेशन, इसके तहत गुड्स या सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं। वाउचर मीन्स इंस्ट्रूमेंट वेयर देयर इज ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट इट एज कंसीडरेशन, एज ए पार्ट ऑफ कंसीडरेशन। जैसे मान लीजिए एल्डाइन का वाउचर मैं आपको दे रहा हूँ, 1000 रुपये का वाउचर बांट रहा हूँ, तो जब भी आप कोई कोर्स लेंगे तो आप वाउचर को इस्तेमाल करते हैं एज ए पार्ट ऑफ कंसीडरेशन। पेटीएम से आप पेमेंट करके चलते हैं, वहाँ भी आपको प्रोमो कोड मिल जाते हैं कुछ एक माई डियर, वो भी आपका इस्तेमाल किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ कंसीडरेशन। 50 रुपये का है, मुझे पेमेंट 500 रुपये करनी है, तो आपकी जेब से 450 रुपये जाएंगे, 50 रुपये का आपने वो कोड वहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, तो एक प्रकार से वाउचर के तौर पर कंसिडर किया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट गुड्स और सर्विसेज का एक कॉम्बिनेशन, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब गुड्स या सर्विस एट द रेट ऑफ सिंगल प्राइस पर जब दिए जा रहे हों, और सबसे महत्वपूर्ण बात, रिजल्टेंट चीज मूवेबल होनी चाहिए कि इमूवेबल? इमूवेबल। रिजल्टेंट चीज आपकी इमूवेबल होनी चाहिए। मूवेबल है रिजल्टेंट चीज तो वो माय डियर आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वर्क, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, काम कोई भी हो, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, ऑल्टरेशन, कमीशनिंग, सब कुछ, जहां पर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेयर इन ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन प्रॉपर्टी जो पास ऑन होता है, यानी सिंपल वर्डिंग्स में मेटेरियल भी हो, लेबर भी हो, सिंगल प्राइस पर हो, रिजल्टेंट प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल हो, बाकी ये दो बातें आपके लिए रिलेवेंट नहीं है माय डियर। इस प्रकार से ये थी आपकी CGST की डेफिनेशन।
आगे IGST की डेफिनेशन आपकी आती है, जहाँ पर ये नाम हो गया, इसका मतलब CGST, कंटिन्यूस जर्नी मतलब, ये आप होमवर्क में खुद देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने दे रखा है, पढ़कर देख सकते हैं इसमें। कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया मतलब कस्टम का बॉर्डर हो गया, जब आप IGST एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ इसके में देखना पड़ता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब इंडिया से इंडिया के बाहर चले जाना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब देने वाला यहाँ का हो, लेने वाला बाहर का हो, है ना। प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर होना चाहिए, पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आना चाहिए आपका, तो वहाँ पर आकर हम इसे बोल देते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। और ये आपके नेचुरली डिस्टिंक्ट पर्सन होने चाहिए, ना कि डीम डिस्टिंक्ट। इम्पोर्ट की बात करते हैं तो डीम्ड डिस्टिंक्ट को भी माय डियर वो कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात करेंगे, जब बेनिफिट देने की बात आ रही है, तो करें नहीं भाई साहब, नेचुरली डीम नेचुरली हमें डिस्टिंक्ट पर्सन चाहिए, पढ़ देता हूँ। सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया का, देने वाला यहाँ का, लेने वाला बाहर का। प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर हो, पेमेंट फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, और वो आपके जो व्यक्ति हैं वो आपके नेचुरली डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो ही हम उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानकर चलेंगे। फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, परिभाषा ऑलरेडी हो चुकी है, स्थायी ठिकाना, कॉपी पेस्ट है, ये एक्ट का नाम आ गया। सरकार का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया में लाना। इंपोर्ट ऑफ सर्विस देने वाला बाहर का हो, लेने वाला इंडिया का हो, और प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन इंडिया में होना चाहिए। देने वाला बाहर का, लेने वाला यहाँ का, और प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर हो, इसका मतलब IGST। इंटरमीडियरी का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, जो गुड्स में डील कराता हो, सर्विस में डील कराता हो, या सिक्योरिटीज के अंदर डील कराता हो, सेक्शन नंबर 13 के अंदर जाकर पढ़ेंगे। इंटरमीडियरी में उसका उसका खुद की सर्विस का जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है वो डेस्टिनेशन बनता है, ध्यान दीजिएगा। बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज ऑन हिज ओन अकाउंट। मल्टीपल एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, जो वो एक मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है, जैसे बिचौलिया होता है, शादियाँ करवाते हैं, अब कल को खटपट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बिचौले गर्दन थोड़ा पकड़ते हैं, भाई तूने कैसा करवा दिया ये, वो कह रहा भाई साहब मैंने दोनों पार्टी को मिलाया है, आप दोनों बात करो, पसंद आए तो ठीक है करो, वरना मत करो। तो उसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती अगर कल को कुछ खराब निकल आए तो। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, सेम डेफिनेशन, HO ब्रांच ऑफिस या यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये सेम सर्विस माय डियर। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन, जो इंडिया के बाहर से अपनी सर्विस ले रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस ले रहे हैं, लेकिन इंडिया में रजिस्टर्ड आदमी नहीं है, यहीं पर मैंने पूरी लिंकेज आपको करा के दी है। मुझे जिद है कि हमें टैक्स उससे चाहिए ही चाहिए, इसके लिए हमने उसी की गर्दन पकड़ ली थी सर्विस प्रोवाइडर की, जो बाहर बैठा हुआ, कि बेटा इंडिया में आ जा, आना पड़ेगा, यहाँ आ जा और यहाँ पर आकर अपना टैक्स भर जा। OIDR की सर्विसेज, इसकी लिंकेज में पूरी बातें करी जाती हैं, OIDR का आप लिंकेज प्रॉपरली अलग से देखेंगे, यहाँ डेफिनेशन उसकी दे रखी है ये। आउटपुट टैक्स का मतलब, डेफिनेशन ऑलरेडी कवर आपकी हो चुकी है आउटपुट टैक्स की। SEZ का मतलब, जो स्पेशल एरिया आपका SEZ के तौर पे अनाउंस किया जाता है। SEZ डेवलपर, जिसने SEZ आपका डेवलप किया है। सप्लाई, सेक्शन 7 में पढ़ के चलेंगे हम लोग, 7 के अंदर आ जाएगा। टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया। जीरो रेटेड मतलब आपका जो भी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट मतलब जो भी डीम्ड एक्सपोर्ट या रियल एक्सपोर्ट, सेक्शन 16 में पढ़ेंगे। और मोर वर्ड एंड एक्सप्रेशन, ये दोनों आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, निचले वाले। इस प्रकार से ये इतनी सारी डेफिनेशंस माय डियर यहाँ पर आपकी कवर हो जाती हैं। उसके बाद आपके ये एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर आता है, मैं इसे भी लपेट दूं, उसके बाद ही मैं आपको ब्रेक दूंगा 5-10 मिनट का। सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6 ये आते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में आते हैं। इसके लिए सेक्शन 3 के अंदर हम बात कर रहे हैं, जो भी आपका सीनियर स्टाफ है, जो आपका चीफ कमिश्नर है, उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और एक चीफ कमिश्नर। ऐसे कमिश्नर को प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, उसके बाद तो फिर आपके एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये सीनियर जो है लोग, उनकी अपॉइंटमेंट है, और सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट करी जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट करी जा रही है। CGST पढ़ रहे हैं ना माइडर, इसलिए। उसके बाद में आगे है सपोर्टिंग स्टाफ, जो जूनियर लोग हैं उनकी अपॉइंटमेंट बोर्ड के द्वारा करी जाती है, ध्यान दीजिए, ये आ सकता है छोटा छोटा क्वेश्चन, सीनियर स्टाफ गवर्नमेंट और जूनियर स्टाफ जो है वो बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये बात हो रही है पावर शेयरिंग की। सेक्शन नंबर 5 बोल रहा है कि इंटरनल एक्सचेंज कर सकते हैं, कि सीनियर अधिकारी जूनियर की पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, और जूनियर और सीनियर अधिकारी
जूनियर को अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है। मान लो जूनियर को घूमने जाना छुट्टियों पे, तो उसका काम सीनियर कर सकता है, और अगर सीनियर को जाना है तो अपना वर्क डेलीगेट करके जा सकता है जूनियर को। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अपना अपना रोल तो करेंगे जो उसको रोल दिया गया है, उसके बाद एक्सचेंज है कि सीनियर जूनियर की पावर एक्सरसाइज कर सकता है या सीनियर अपनी पावर जूनियर को डेलीगेट कर सकता है, ठीक। लेकिन अपलेट अथॉरिटी लेवल पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर फैसले आपको सुनाने होते हैं। फिर है एक्सटर्नल एक्सचेंज कि सीजीएसटी ऑफिसर कैन वर्क एज एसजीएसटी ऑफिसर या यूटीजीएसटी ऑफिसर, यूटीजीएसटी सीजीएसटी डिमांड पर्पस के लिए भी कर सकते हैं और रिफंड पर्पस के लिए भी, ध्यान दीजिए रिफंड पर्पस के लिए भी ये एक्सटर्नल एक्सचेंज पावर्स का कर सकते हैं। वही सारी बात आपकी यहां पर लिखी हुई है कि एक दूसरे की पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए एक नोटिस डाल दिया सीजीएसटी ऑफिसर ने कि भाई आपका ये मामला गड़बड़ है, तो अगर सीजीएसटी का नोटिस आया तो ऑटोमेटिकली माय डियर, तो क्या एसजीएसटी वाले अधिकारी को भी अलग से डालना पड़ेगा? नो, सीजीएसटी वाला अधिकारी एसजीएसटी के लायबिलिटी को भी रीअसेस कर देगा वहां पर, और यानी एसजीएसटी ऑफिसर की भूमिका में काम कर सकता है एंड वाइस वर्सा। उसके बाद में आपका फिर यहां पर ये बात आ रही है, ये कुछ नहीं है यहां पर आकर, ये नोटिफिकेशन कुछ नहीं है माय डियर, और ये जीएसटी पोर्टल के बारे में बता रखा है कि पोर्टल आपका एक्टिवेट हो गया है, 19 जून को एक्टिवेट हो गया था, उसके संबंध में नोटिफिकेशन है, सेक्शन 8 के तहत ही काम करके चलता है। फिर आता है आपका आईजीएसटी एक्ट, और आईजीएसटी एक्ट हम करेंगे सबसे एंड में माय डियर, यानी कि पहले चार चैप्टर जो वहाँ तक कवर कर लें, उसके बाद हम इसको आईजीएसटी एक्ट को कवर करके चलेंगे। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको अभी स्किप करके चलता हूँ तो आगे चलकर मेरे पास आएगा चैप्टर नंबर 1 चार्जेबिलिटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज का पहला चैप्टर मेरे सामने आ जाएगा। अब मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, और ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ढाई घंटा हो गया करीब करीब यार, चलो जी ब्रेक लेते हैं।